इसलिए जो जितने कथा सुनते हैं लगता है जैसे हमने कभी कथा सुनी नहीं। तो कथा सुनने का सबसे बड़ा श्रोता आपको पता है कौन है? हम तो कथा सुनते हैं लेकिन सबसे अच्छे श्रोता को नहीं जानते हो, कहते भगवान गोविंद देव। अब लोग गोविंद देव दर्शन किए हो? कौन कौन दर्शन किए गोविंद देव को? सबके सब किए हो। देखो एक समय गोविंद देव की कथा सुनो, कोई एक संत थे ये हर साल ये गोविंद देव मंदिर में कथा सुनाते थे, हर साल सुनाया करते थे। अभी एक साल बाद में दूसरे साल कथा सुनाने के लिए आए, तो जो कथा कर रहे थे उन्होंने वक्ताओं को प्रश्न किया, ये बताओ पिछले साल मैंने जब कथा की थी ये कथा कहाँ पर मैंने छोड़ा था, उसको बाद से फिर कथा में शुरू करूंगा, बताओ किसको याद है? अभी किसको याद ही नहीं, आज क्या खाया कल ही याद नहीं रहता है। और वो कह रहे एक साल पहले कथा सुनाए थे उसको बोलो, अब तो चुप हो गए इधर उधर देखने लगे। इतने में ही वो जो संत कथा कर रहे थे बोले भैया लगता है यहाँ कोई कथा सुनने वाला है ही नहीं, कोई कथा ही नहीं सुनते हैं। इतने में भगवान गोविंद देव मंदिर से आवाज आई, बोले महात्मा जी ऐसे कैसे बता सकते हो कोई कथा सुनने वाले नहीं, कथा सुनने वाला मैं हूं ना, मैं कथा सुनता हूँ, आपने यहाँ तक कथा की थी इसको बाद में ये कथा यहाँ से सुन हुई। ठाकुर जी स्वयं आवाज देते हैं, इसलिए भगवान की कथा जितने सुनो जितने कथा सुनो ऐसे लगता है कभी हमने कथा सुनी नहीं, जीवन में पहला बार मैं कथा सुन रहा हूँ। इसलिए श्री हनुमान जी कहते ये कौन है, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में सबसे बड़े जो ज्ञानी श्री हनुमान जी। अगर कहीं कथा हो ना हनुमान जी कहीं कैसे कथा सुनते हैं, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए और उनका रोमांच है उनकी शरीर हृदय गदगद होता हुआ कथा सुनते हैं। और कथा ऐसे सुनते हैं जैसे अज्ञानी जैसे कुछ नहीं जानते हैं, जीवन में पहला बार ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। इसलिए जितने कथा सुनो लगता है जैसे हमने जीवन में कई कथा नहीं सुनी। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं, भले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते, सब कथा सुनने का अधिकारी है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता जोर से जयकार लगा ताकत लगा करके, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए कल हम लोग कथा की महात्मा को श्रवण कर रहे थे, कहते कथा की जो महिमा ये दो पुराण में आती है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। कल हमने जो कथा सुनी थी वो कथा था पद्म पुराण की कथा था, आज हम लोग कथा सुनेंगे श्री स्कंद पुराण में भी कथा की महिमा। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मैया कुंती सुनते ही उसी समय शरीर त्याग दी। बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर रख करके क्या लाभ है, कृष्ण विहीन प्राण। पांडव भी देखे जब कृष्ण ही चले गए तो हम भी क्यों रहेंगे, तब उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने राजा बना दिया इंद्रप्रस्थ को, और जो बज्रनाम को उन्होंने बनाया वृंदावन का राजा। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जी ये बज्रनाम से मिलने के लिए आए, यहाँ जो धूप है ना भैया, यहाँ जो धूप है ना, जो धूप को थोड़ी सी हटा दो उसको एक साइड में कहीं रख, उसको उधर रख दो। हरे कृष्ण। इसलिए श्री बज्रनाम को राजा बना दिया श्री वृंदावन को। एक दिन श्री परीक्षित महाराज श्री बज्रनाम से मिलने के लिए आए, बोले बज्रनाम सब कुशल मंगल है ना, बोले सब तो ठीक ठाक है लेकिन ये मन बड़ा उदास ही है। बोले क्यों, बोले राजा कब होता है, जब प्रजाएं हैं, लेकिन कोई प्रजा है ही नहीं है। बोले ये ब्रज में कोई प्रजा ही नहीं, क्योंकि जैसे भगवान राम जब ये अयोध्या छोड़ कर गए, अब रामायण देखे हो देखना, जब प्रभु राम ये अयोध्या से गए संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए श्री हनुमत लाल, क्योंकि राम भक्ति प्रचार करने के लिए। उसी तरह जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए पूरा वृंदावन को लेकर गए, किसी को उन्होंने छोड़े नहीं,
तो वहां के एक पशु पक्षी कीड़े मकड़े भी वहां के सब कृष्ण भक्त है। प्रभु सबको लेकर के प्रभु अपना दिव्य धाम में चले गए, इसलिए ब्रज में कोई है ही नहीं। इसलिए श्री बज्रनाभ ने कहा ये ब्रज में कोई है ही नहीं, ये तो ब्रज हमें सुनी सुनी लगता है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी भी कृष्ण है, हैं? अभी भी कृष्ण है। बोले ये बात को कौन जानता है? बोले उनका जो पुरोहित श्री, उनको पुरोहित को ये बात पता है। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले सांडिल्य ऋषि जी आप थोड़ी कृपा करके ये वृंदावन की थोड़ा महिमा सुनाओ। तब सांडिल्य ने कहा देखो भगवान की लीला दो तरह का है, एक तो साधारण लीला और एक विशेष लीला है। जो साधारण लीला है कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, लेकिन उनका जो सही लीला जो वास्तविक लीला कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए। कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर के एक कदम भी कहीं जाता ही नहीं। लेकिन अभी प्रभु दिखते नहीं, क्यों? कारण क्या? इसलिए यही कारण है हमारा जो आंखों में काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्षा द्वेष हमारी आंखों में बैठा हुआ है। बोले प्रभु की लीला दिखेगी कैसे? बोले प्रेमांजन छुरी का भक्ति बिलोचन न, जब हम अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाए तभी प्रभु हमें अभी भी वृंदावन में दर्शन मिलेंगे। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठा दो। वहां पर दो वन देखे होंगे, एक निधु वन और एक निकुंज वन, देखे कि नहीं आप कभी? और एक बार कभी जाना तो वहां पर शाम का समय में जाना, देखना ये दोनों वन में बहुत सारे बंदर है, लेकिन इस शाम होते ही देखना वो बंदर को कोई भगाने का जरूरत नहीं, वो बंदर अपने आप एक एक कर निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप निकल जाएंगे। वहां पर ठाकुर जी के लिए फूल की सज्जा लगाते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दांतन लोटे में पानी रखते हैं। सबर जा करके देखोगे ना ऐसे लगेगा मानो रात को कोई आए और ये बिस्तरा में कोई लेट कर गया है, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा कभी लड्डू नहीं मिलेगा। अगर कोई जोर जबरदस्त रुक जाए ना हम देखेंगे प्रभु क्या लीला करते हैं, वो गुंगा बन जाएगा नहीं तो शरीर छोड़ देगा, क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करके फिर ये शरीर नहीं रहता है। जिनको अभी विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान भगवान किसी ने देखा, सब झूठ मूठ का बात है। एक बार वृंदावन में जाए और ये दोनों वन में कोई एक वन में रह करके आ जाए फिर उसको पता चलेगा भगवान है क्या नहीं, उसको अपने आप ये सारी बात पता चल जाएगी। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते परीक्षित बज्रनाभ वृंदावन छोड़कर कृष्ण कभी भी नहीं जाते हैं, उनका जो वास्तविक लीला जो सही लीला है अभी भी वृंदावन में प्रभु लीला कर रहे हैं। इसलिए बंगला में एक भजन है एक न से वृंदावन बंसी बाजे रे, वो भजन गाते हैं अभी भी कृष्ण वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं अभी भी। बोले एक न सही ललना जलानी ते जाए जमुना, बोले अभी भी ब्रज की गोपियां पानी भरने के लिए जमुना में जाती हैं। अभी भी कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराते चराते अभी भी प्रभु जाते हैं। देखो एक समय एक संत कथा सुना रहे थे, जब संत कथा सुना रहे थे तो साधु संत कितने महिमा है, कोई एक चोर ने देखा भैया चलो या क्या संत जी कथा सुनाते चलो बैठ जाए, हमने सुना सत्संग से बड़ा लाभ होता है, वो चोर आकर बैठ गया। जब बैठ गया वो संत वर्णना कर रहे थे कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं उनका उम्र कितना 5-6 साल के कृष्ण बलराम, और मैया जसोदा कृष्ण बलराम को एकदम सर से लेकर सिर तक हीरे जवाहरातों से उनको पूरा सुंदर श्रृंगार करते हैं, और कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं। ये बात को सुनते ही चोर का तो कान खड़ा हो गया, बोले क्या 5-6 साल के बच्चे और हीरे जवाहरात से मैया जसोदा उनको श्रृंगार करती है? बोले भैया सचमुच से कहते हैं सत्संग में बड़ा लाभ होता है,
अभी कथा के बाद में ये कथाकार को पूछूंगा वो कहां पर गैया चराने जाते हैं, जाऊंगा तो थप्पड़ मारूंगा सब उतार कर ले जाऊंगा। अभी कथा जब समाप्त हो गया, अभी वो संत एक जंगल से जंगल होते हुए जाते थे, वो चोर जाकर के जंगल के बीच में बैठ गया और सब जानते ये बड़ा डाकू है। जब वो संत जा रहे थे बीच में पकड़ लिया, बोले बाबा इधर सुनो। बोले क्या बात है? बोले आप कथा सुना रहे थे कृष्ण बलराम जब गैया चराने के लिए जाते हैं मैया जसोदा उनको हीरे जवाहरातों से श्रृंगार करते। बोले हाँ। बोले थोड़ी सी उसको पता बता दोगे आपको हिसाब मिलेगा, कोई चिंता मत करो। बताओ तो वो कहां पर गैया चराने के लिए जाता है? वो संत तो कहां बूटे। बोले भैया कृष्ण तो द्वापर युग में सखा को साथ में गैया चराने के लिए जाते थे, मैं तो द्वापर युग की बात कर रहा था। इसने सोचा शायद अभी भी कृष्ण जाते हैं, वो तो डर गया। इतने में बोला भैया वो जो नंदगांव है ना वहां पर टेर कदम है, वहीं पर कृष्ण रोज सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं। और वो वापस कब आते हैं? बोले एकदम शाम को आते हैं। अभी उसने नंदगांव की पता लेकर गया और उन्हें सुना था कृष्ण कितने सुंदर है, कैसे पितामर बहने, कैसे मीठी मीठी प्रभु बंसरी बजाते हैं, कैसे घन श्याम प्रभु का रंग है, हैं गले में कितने सुंदर माला पहने, श्रृंगार बड़े सुंदर अलबेल सा श्रृंगार कर रहे थे। अभी वो चिंतन करते 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 नंदगांव की एड्रेस को लेकर के पहुंचे तेर कदम में। तेर कदम में पहुंच करके वो कृष्ण वापस आते हैं शाम को। अभी कृष्ण चिंता करते 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 कभी पेड़ को ऊपर उठे, कभी नीचे उतरे, कभी पेड़ को ऊपर उठे, कब आएंगे कब आएंगे, टाइम ही हो गया, शाम हो गया शाम हो गया। देखो भगवान की जो चिंतन है ना, भगवान का जो स्मरण है, भागवत में कहते हैं बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। बोले भगवान की कथा को अगर कोई चिंतन करे कहीं सुने, भगवान दोनों कानों के माध्यम से हृदय में जाते हैं। अगर तुम्हारी हृदय में कोई काम क्रोध लोभ हो ना, ठाकुर जी क्या करते हैं अपना रुमाल निकाल करके उसको साफ करके हृदय में प्रभु बैठ जाते हैं। अभी वो कृष्ण चिंता करते 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 उसका हृदय एकदम निर्मल हो गया उसका हृदय, और जितने उत्कंठा बढ़ रहा था कृष्ण आने वाले कृष्ण आने वाले कृष्ण आने वाले, सचमुच से उसने देखा दूर से धूल उड़ रहा है। बोले आने का समय हो गया। सचमुच से धीरे 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 देखा कितने लाख लाख गैया आ रही हैं। फिर उन्होंने देखा पीछे पीछे सखा लोग आ रहे थे, फिर देखा सबसे पीछे ये कृष्ण और बलराम। बोले वाह बढ़िया मौका है बढ़िया मौका है। इतने में जब श्री कृष्ण आए, इतने में जो चोर था गया और कृष्ण को स्पर्श किया। कृष्ण को स्पर्श करते ही उसका हृदय तो एकदम निर्मल हो गया, हृदय हृदय उसको पवित्र हो गया। वो जो चोरी करने के लिए गया था ना, उसके हृदय से चोरी की भावना खत्म हो गई। बोले अगर प्रभु की शरीर से अलंकार को उतार दो, प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे, प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे प्रभु। और उन्हें भगवत दर्शन हुई। इसलिए अगर अभी भी कोई भजन करते हैं, टेर कदम गए हो? कौन कौन टेर कदम गए हो? हाथ उठाओ तो। गए हो टेर कदम? नंदगांव में टेर कदम है, वहां पर टेर कदम में हमारे संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम था रूप गोस्वामी। वो संत वहीं पर भजन करते थे। एक दिन उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी इनसे मिलने के लिए आए। अभी छोटे भैया सोच रहे हैं बड़े दिनों में ये बड़े भैया आए, इनको कुछ भोजन खिलानी चाहिए। बोले क्या भोजन करे? बोले इनको खीर बहुत प्यारा लगता है, अगर थोड़ी खीर होता तो इनको हम थोड़ा खीर खिलाते। लेकिन आज से कितना साल पहले, 500 साल पहले, 550 साल पहले, वहां तो घना घोर जंगल और कुछ है नहीं, दो चार घर नंदगांव में। अभी ये जंगल में खीर कहां से खिलाए? अभी राधा रानी इनके हृदय की भावना को समझते हुए राधा रानी छोटी सी बालिका बन गई और दूध चीनी चावल काजू किशमिश लेकर के आ गए। बोले बाबा 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 लो आप लोग खीर बना करके खा लेना।
तब श्री रूप गोस्वामी बोले लाली तू कोई चिंता मत कर, तू चला जाओ, हम खीर बना करके खा देंगे, खा लेंगे। लेकिन ये दोनों कथा में इतने मस्त थे, इतने मस्त थे, कथा में कथा ही खत्म नहीं हो। फिर राधा रानी घूम फिर करके आती है, बोले बाबा बाबा तुम कथा करो, मैं खीर बना देती हूँ। राधा रानी झट कंडा में आग लगाई, लक्ष्मी है ना, लगाई और बड़ी सुंदर खीर बना करके, बोले बाबा खीर भोग लाग रे खा लियो, मैं जा रही हूँ। बोले लाली कोई चिंता मत कर, तू चले जा। बड़े देर से कथा खत्म हुई। अभी उन्होंने देखा भैया कोई एक लाली आई थी, बोले खीर बना कर गई, देखा सचमुच से बड़ी सुंदर खीर है। तब उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाए तुलसी दल से, और सब श्री सनातन गोस्वामी को उन्होंने खीर खिलाए। खीर किसने बनाया बोलो तो, किसने बनाया खीर? राधा रानी। भोग लगाया किसको बोलो? ठाकुर जी को, गोविंद देव को भोग लगाया। भोग लगाया किसने? बोले श्री रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी कौन है? बोले ये कृष्ण लीला में राधा जी की एक प्यारी सखी है, एक सखी है, और समझो वो खीर में कितने स्वाद नहीं होगा। उन्होंने जीवन में तो बहुत खीर खाए, लेकिन जब उन्होंने ये खीर क्यों खाए, इनकी रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। वो तो समझ गए वो लाली कोई साधारण थी नहीं, ये तो स्वयं श्री किशोरी जी राधा रानी थी। इतने में छोटे भाई से पूछे, बोले रूप तुमने मन मन में कोई चीज याद किया था? बोले हाँ, मैं तो ये सोच रहा था आप बड़े दिनों में आए हो, आपको खीर बहुत अच्छा लगता है, आपको थोड़ा खीर खिलाए। बोले पागल, इतना घना घोर जंगल में तेरी भावना को कौन समझे और कौन ला करके ये खीर बनाए? ये लाली और कोई नहीं थी, ये स्वयं श्री राधा रानी थी, ये स्वयं श्री राधा रानी थी, ये खीर खा करके देख। बोले देखो कहां श्री राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, और ये राधा रानी हमारी उल्टा सेवा करके गई। तो उन दोनों भैया ने राधा जी के चरण में माफी मांगे, बोले हे राधे हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं, बोले देखो श्री बज्रनाभ, कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण वृंदावन में पूर्ण रूप में कृष्ण अभी है। लेकिन उनको दर्शन कैसे मिलेगा? बोले साधन करना पड़ेगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। हमारी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आप सोच नहीं सकते संतों को राधा रानी कृष्ण कितने बार दर्शन दिया। इनके जो बड़े भाई रूप श्री सनातन गोस्वामी है, जिनको करौली में मदन मोहन है ना, यहाँ पर जो गोविंद देव दर्शन किए है ना, ये रूप गोस्वामी का गोविंद देव। करौली में जो मदन मोहन जी, ये किसके ठाकुर? श्री सनातन गोस्वामी, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई है। वो रोज गिरिराज की परिक्रमा लगाया करते थे, रोज वृंदावन से आते थे चल चल करके, रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे। एक दिन कड़ी धूप में एक वृक्ष को नीचे उन्हें लेट गए, तो वहां पर साक्षात कृष्ण बलराम प्रकट हुए। कृष्ण तो उनके सर को अपना जंघे के ऊपर रख दिए, और दाऊ भैया उनको ऊपर में अपना चुंदरी से उनको छाया किए। जब इनकी होश आई, कृष्ण ने समझाए, बोले देखो इतना कष्ट मत क्या करो, इतना कष्ट क्यों करते हो, इतना बड़ा गिरिराज को परिक्रमा क्यों लगाते हो, वृंदावन से आओ परिक्रमा लगाओ, मथुरा जाओ भिक्षा लो, वृंदावन जाओ। बोले दिन में 50 किलोमीटर ये चलते थे, बोले इतने कष्ट करने का जरूरत नहीं। बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा तब तक जरूर परिक्रमा लगाऊंगा। कृष्ण ने कहा देखो मैं तुमको एक चीज देता हूं, एक उन्होंने शिला दिया है, जब कृष्ण बंसुरी बजाए वो शिला एकदम पिघल गया, जिसमें कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण की बांसुरी की चिन्ह, कृष्ण की लकोटी और गैया का खुर का चिन्ह है। बोले लो इसको अगर तुम 4 बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज परिक्रमा करने का फल मिलेगा। जानते हो ये शिला कहां पर? आप लोग बता सकते हो शिला अभी कहां पर है? कहते अभी तुम्हारी जयपुर में है। जयपुर में कहां पर तुम्हें पता है? कहते एक श्री श्री राधा दामोदर मंदिर है, जरूर जाना उसी मंदिर में, श्री गोविंद देव मंदिर के पास में राधा दामोदर मंदिर में अभी भी वो शिला रखा हुआ,
जिस समय राजा औरंगजेब ने आक्रमण की, राजा मान सिंह ने सारे ठाकुर को जयपुर में ले आए थे। सारे ठाकुर जी, हमारे जितने गौड़िया वैष्णव का ठाकुर, ये सब के सब जयपुर में आ गए। क्यों जयपुर में आ गए? वृंदावन छोड़ करके कहते जो जयपुर है ना, ये सब भक्तों का स्थान है। ठाकुर जी कहाँ जाते हैं? जहाँ पर भक्त हो। ठाकुर जहाँ पर भक्त हो, ये मीराबाई का स्थान है ना, मीरा की है, मीरा की जन्म स्थान। जयपुर के लोग बड़े भक्त है, इसलिए सारे ठाकुर वृंदावन छोड़ दिए और सबके सब जयपुर में आ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सांडिल ऋषि ने कहा, बज्रनाभ अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन है, अगर दर्शन करना चाहते हो ना, एक काम करो। बोले बताओ क्या करें? बोले ठारे ठाकुर को प्रकाशित करो और से वृंदावन धाम को प्रकाश करो। कृष्ण कहां पर किया किया लीला की, ये लीला स्थलियों को प्रकाश करो, फिर ठाकुर जी का कृपा होगा तो फिर तुम्हें इसी वृंदावन में कृष्ण दर्शन मिलेगा, इसी वृंदावन में तुम्हें कृष्ण दर्शन मिलेगा। तो उन्होंने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद राधा दामोदर सारे विग्रह को उन्होंने स्थापन किया है, सारे विग्रह को उन्होंने स्थापन किया और सारे ब्रजमंडल को उन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित किया तो इनके ऊपर में ठाकुर जी की कृपा हुई है। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण की जो महिषियां थी 16108 पटरानी, कृष्ण जब चले गए, ये सबके सब कृष्ण विरह में बड़े दुखी है। लेकिन देखा कालिंदी को, वो कलकल नाद करते करते हैं, भगवान की जयकार देते देते ये बड़ी प्रसन्न होकर के बह रही है। महिषियों ने पूछा, कालिंदी तुम भी कृष्ण प्रिया, हम भी कृष्ण प्रिया, लेकिन कृष्ण चले गए दुनिया से, हम तो दुखी है, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं है क्या? कृष्ण विरह की कोई अनुभूति नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है श्री राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में श्री वृंदावन में अभी भी कृष्ण है, कृष्ण कहीं नहीं गए। केवल जब श्री किशोर जी की कृपा हो तभी ये चीज किसको अनुभूति का विषय होता है। बोले भैया हम भी किशोर जी की शरण में जाएंगे हैं। बोले अभी बताओ ये बात को कौन बताएगा? बोले अभी भी श्री गिरिराज गोवर्धन में श्री उद्धव जी है, कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके उनको सांत्वना प्रदान की थी, अभी भी गिरिराज में उद्धव जी है। अब लोग गिरिराज परिक्रमा की हो, कौन कौन गिरिराज परिक्रमा की, हाथ उठाओ तो गिरिराज परिक्रमा किसने किसने किया, किए हो परिक्रमा है ना। अब देखना ठीक राधा कुंड से पहले ये उद्धव कुंड है, देखे हो दर्शन किए कि नहीं? उद्धव कुंड को दर्शन किए हो ना? कहते अभी भी श्री उद्धव जी श्री गिरिराज गोवर्धन में घास बन करके अभी भी भजन कर रहे, वो कहीं नहीं गए। ये उद्धव जी को ये सारे रहस्य पता, क्योंकि उद्धव ही ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, ये उद्धव हमें बताएंगे सारे बात। अरे चलो हम सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी पर चलते हैं। सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी पर गए और वहां पर बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। अब लो एक कीर्तन सुन लो, प्रभु जी आपका एक सुंदर कीर्तन सुनाएंगे ठाकुर जी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। रघु तू बड़ भाग, कौन तपस्वी तीन लोक तरण तरण सोते ब्रज समुद्र मथुरा कमल
वृंदावन मकरंद ब्रज जनता सब पुष्प मधुकर गोकुल चंद्र उमतवाई वृंदावन भाव किशोर तेरे चरणन Thank you.
हरे कृष्ण हरि बोल बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
हरे कृष्ण। जब सबके सब श्री गिरिराज तलेट में श्री गिरिराज को श्री चरण में जब जोर से कीर्तन की, तद ये कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी घास बन करके भजन कर रहे थे, साक्षात उद्धव जी का दर्शन हुआ। तब महिषियों ने बताया, उद्धव जी तेरे को कृष्ण तेरे को ब्रज में भेज करके कृष्ण ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, अभी हम भी सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, अभी तुम बताओ अभी कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे। तो उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने यही प्रश्न कृष्ण को भी किया था। कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव जी मैं हर समय नहीं आता हूँ, मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में आता हूँ। बोले भैया ब्रह्मा का कितना बड़ा दिन है ये सब लगा बोलो। बोले भगवान कृष्ण कब ये जगत में आते हैं और भगवान राम कब आते हैं? हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते और हर कली में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। बोले कब आते हैं? बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले भैया ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा हिसाब लगाओ, कितना बड़ा दिन है? कहते ये कलिजु का जो परमायु 4,32,000 साल, ये कलिजु का परमायु। बोले द्वापर जु का परमायु, बोले कलिजु को 2 गुणा कर दो, बताओ कितना होगा? बताओ सब टीचर लोग बैठे, कितना होगा? कलिजु का परमायु 4,32,000 साल, बोले द्वापर जु का परमायु कलिजु का 2 गुणा कर दो, कितना होगा बताओ? बताओ कितना होगा? अभी त्रेता जु को कलिजु का 3 गुणा कर दो, बताओ कितना होगा? ठीक है जितना हो। हाँ देखो, और कहते सत्यजु को कलिजु का 4 गुणा बना दो। अभी ये जितना हो गया उसको हिसाब कर लो, उसको एक महाजुग कहते हैं। और ऐसे 71 महाजुग होने पर उसको एक मन्वंतर कहते हैं। बोले 14 मनु जब बदल जाए तब ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, मतलब 1,000 चतुर्युग, मतलब करोड़ों करोड़ों साल बीतने के बाद फिर कृष्ण इस दुनिया में आएंगे, भगवान राम फिर दुनिया में आएंगे, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग में फिर आएंगे। हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं। तब उद्धव जी जब कृष्ण को पूछे, फिर कृष्ण तेरा दर्शन कैसे होगा, देखो कृष्ण क्या कहते हैं। बोले हे उद्धव जी, अगर ये कलिजुग में मेरे से कोई मिलना चाहता है, एक और सरल उपाय। बोले बता दो प्रभु ये कौन सा उपाय है? बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, ये श्रीमद् भागवत नहीं, मैं कलिजुग में ये शब्द ब्रह्म रूप में, ये भागवत रूप में कलिजुग में रहूंगा। अगर ये कलिजुग में कोई ये भागवत कथा को श्रवण करेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हैं तो साक्षात श्री गोविंद देव से आप मिल रहे हो। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। तो फिर महिषियों ने बताए, बोले फिर श्री उद्धव जी फिर तो हमें कथा सुना दो, हमें कृष्ण कथा सुना भागवत सुना। बोले ठीक है यहाँ पर बैठो, अभी तुम लोगों को मैं भागवत कथा सुनाता हूँ। हम लोग कितना दिन कथा सुनेंगे बता, कितना दिन सुनोगे? 7 दिन। लेकिन उद्धव जब कथा सुनाए थे उन्होंने 1 महीना तक कथा सुनाई। ये भागवत कथा सर्वप्रथम कौन किसको सुनाए? बोले श्री उद्धव जी श्री गिरिराज की तलहटी में कुसुम सरोवर और श्री उद्धव कुंड में सबसे पहले उन्होंने ये भागवत कथा सुनाए महिषियों को। जब ये भागवत कथा विश्राम हो गई, कृष्ण स्वयं श्री राधा जी को साथ में, अपना सखियों को साथ में, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ से ये साक्षात रूप में भगवान के दर्शन हुए। जब भगवत दर्शन हुई, महिषियों ने कृष्ण को साथ में मिले, इनके हृदय में जो कृष्ण विरह थी, ये कृष्ण विरह दूर हो गया, कृष्ण विरह दूर हो गया। इतने में श्री उद्धव जी कहते हैं, बोले देखो मेरे जो गुरुदेव ने मेरे को कथा सुनाई थी। बोले सुना, बोलो क्या कथा सुनाई थी? बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये दुनिया को सृष्टि की, उन्होंने सबसे पहले 3 देवता को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना,
शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना और विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु ये जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले अगर ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक तुम सुनोगे ये रजोगुण में तुमको व्याप्त नहीं करेगा और ये भागवत कथा के प्रभाव से ये दुनिया को तुम सृष्टि कर सकते। भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु ये लक्ष्मी को कैसे मैं पालन करूं, दुनिया को तो पालन कर सकता हूं लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। तब श्री गोविंद देव ने बताए, बोले आप भी कथा सुनो और सुना। जब श्री नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी स्वयं बैठकर कथा सुनती हैं। और कितना दिन तक नारायण कथा सुनाते, बोले 1 महीना तक। 1 महीना में भागवत को ये समाप्त करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है, फिर नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले लक्ष्मी कितना दिन में पूरी करती है, बोले 2 महीना। बोले नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं उससे माँ लक्ष्मी उससे भी सुंदर व्याख्या करती है। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये जगत को जो संहार का काम ये तम गुण का काम है, ये तम गुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिली। बोले कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब शंकर जी कथा सुनाते हैं, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदर, शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभो, भगवान की भक्तों में सबसे बड़े भक्त श्री भोले बाबा को मानी गई है, क्योंकि इनके बगैर प्रभु का कोई लीला नहीं होती है। जब राम रूप में आए शंकर जी हनुमान बन करके आते हैं, जब कृष्ण रूप में आए आगे सुनेंगे शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं प्रभु की रास दर्शन करने के लिए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए फिर ये सदाशिव बन करके आते हैं, इनकी बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होती है। इतने में श्री शंकर जी हैं जब कथा सुनाते हैं, इतने सुंदर शंकर जी व्याख्या करते हैं, उनको 1 साल लग जाती है भागवत पूरी करने में। फिर माता पार्वती कथा सुनाती है, पार्वती कौन है, वैष्णव, पार्वती कौन है, ये माँ वैष्णव देवी है, माँ देवी माँ की गला में तुलसी की कंठी है, वैष्णव देवी की गले में तुलसी की कंठी है, हैं माँ भी तुलसी कंठी पहनती है, वैष्णव देवी है। ये जब कथा सुनाती है इतने सुंदर शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर व्याख्या करती है माँ वैष्णव देवी, इसलिए उनको 2 साल लग जाती है। देखो ये कथा की इतने महिमा है, जिस कथा के द्वारा ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं, ये भागवत कथा की महिमा से, इसलिए भागवत कथा की बड़ी महिमा। फिर स्कंद पुराण में वर्णना करते हैं, फिर श्रोताओं की बात करते हैं, कथा सुननी कैसे चाहिए। कल हम लोग सुन रहे थे श्रोता 2 तरह के हैं, एक अच्छे श्रोता है एक साधारण श्रोता है, और जो अच्छे श्रोता 4 तरह के, किसको किसको याद बताओ तो बोलो, 4। कल मैंने बताया था 4 अच्छे श्रोता हैं और 4 साधारण श्रोता हैं, बताओ कोई एक बताओ, जोर से बोलो, बताओ हंस, हंस क्या करता है, बताओ। हाँ इसलिए हंस को दूध दो, आप देखना वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब है हमें सार सार ग्रहण करनी चाहिए, असार को हमें त्याग देनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या था, मछली। मछली को क्यों उदाहरण दिया, कौन बोला, ये लोग याद रखे हैं। इसलिए मछली को देखना उसका आंख कभी भी पलक नहीं झपती है, मछली हर समय उसकी आंख खुली रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, टक टक लगा करके, कथा की कोई एक शब्द भी मिस नहीं चल जाए, हैं इसलिए मछली। तीसरा नंबर क्या, चातक की उदाहरण दिए, कहते चातक की एक विशेष गुण है ये चिड़िया की, चकोराई चिड़िया, ये कभी भी नदी का पानी नहीं पीता है, कभी तालाब का पानी नहीं पिएगा, कभी कुएं का पानी नहीं पिएगा, वो तब भी पानी पिएगा केवल स्वाद ही नक्षत्र का जब बरसात हो। इसलिए हर समय ये चिड़िया हर समय कहता है प्यासा हम प्यासा हम प्यासा हम, मैं प्यासी हूँ, पानी पानी पानी, वो चिल्लाते रहता है, जब बरसात हो तभी उसी पानी को पिएगा नहीं तो पानी नहीं पिएगा। इसका मतलब है
हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। ये दुनियादारी की कोई बात हमें हम कभी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं, कभी कुछ सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे तो ठाकुर की कथा, सुनाएंगे तो ठाकुर जी की कथा, चातक जैसे हमें कथा सुननी चाहिए। और चौथा बोला, हाँ मधुमक्खी। एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है देखना, गंदी चीज में बैठेगा, और मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठ करके सहेद को आहरण करती है। हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बन करके जीवन में कांटा वृक्ष में एक फूल क्यों नहीं हो, देखना वो वहां भी बैठ करके सहेद को ग्रहण कर लेगा। इसलिए हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, हर जगह से हमें सार सार चीज को ग्रहण करो और असार को हमें त्याग देनी चाहिए। इसलिए ये चार तरह के अच्छे श्रोता है और चार तरह के साधारण श्रोता है। याद है किसको, कौन बोलेगा, बोलो कोई एक नाम बोलो। एक ऊंट है, बोले ऊंट को आप कोई कमल कमल सुंदर सुंदर पत्ते दो, देखना ऊंट नहीं खाएगा। वो कौन सा वृक्ष में जाता है, कांटा, जिसमें बबलू का पेड़ हो, कांटा वृक्ष में। मतलब जो व्यक्ति भगवान की मधुर मधुर कथाओं को जिनमें रुचि नहीं, रुचि किसी की, उसकी छोरी ने ऐसे किया, उसका छोरा ने ऐसे किया, उसके घर में ये हो रही थी, उसका सास बहु में लड़ाई लग रही थी, वहां पर देखना बैठ करके सारा दुनिया की बात, जिसमें बिना मतलब की, जिसमें कोई तुम्हारी मतलब नहीं, इसलिए कहते उनका ऊंट कहते हैं। जो भगवान की चर्चा को छोड़ करके दुनिया की चर्चा में जिनकी मन लगती है। दूसरा नंबर क्या है, एक ऊंट, दूसरा नंबर क्या बोलो, एक ऊंट है, दूसरा है भूरुंड। ये एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में, भूरुंड एक चिड़िया है। इसलिए एक कापी पेन ला कर रखनी चाहिए, ऐसे नहीं खाली हाथ में बैठे हो। इसलिए जो कम से कम थोड़ा जो लिखे पढ़े जानते हो ना, तुम लोग तो टीचर हो है, कम से कम कापी ला कर रखनी चाहिए, ठीक है ना। कापी लो और हर कथा को नोट करो, नोट करके कथा भी सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, हमारा भी कल्याण होगा, दूसरों को भी कल्याण होगा है। इसलिए कहते ये भूरुंड है, ये हिमालय में ये चिड़िया रहता है। ये चिड़िया की एक विशेषत्व है, आप इसको जैसे सुनाओ ना, दूसरा बार आपको ठीक वैसे सुना देगा एज इट इज। किंतु जब जीवन में जब करेगा ना उल्टा करेगा, सुन भी लेगा, सुना भी लेगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को उतारेगा नहीं, करेगा पूरा के पूरा उल्टा है। कहते ये दूसरा नंबर, बोले तीसरा नंबर बताए, कहते बैल। बैल को आप भूसा दो, नहीं तो सुंदर सुंदर कोई फल दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों को बराबर मानता है। मतलब भगवान की कथा बैठ करके चर्चा करो, नहीं तो सारा दुनिया की कोई उल्टा पुल्टा बात चर्चा करो, दोनों में कोई फर्क नहीं मानते, कहते सब बराबर है। कहते ये बैल है। और जो तीसरा नंबर है, कहते भेड़िया। ये छोटा ये होता है बाघ, तभी किसी हिरण को वो आक्रमण करेगा जब कोई हिरण सुलील शब्द सुन करके उसमें जो मुग्ध हो जाए, उसी समय में उसको ऊपर में आक्रमण करता है। बोले मतलब क्या, बोले मतलब है ऐसे कुछ कुछ श्रोता है जो कथा तो सुनते नहीं, लेकिन उसको पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को कथा भी सुनने नहीं देंगे, बिना कारण से उसको साथ में बात करते रहेंगे, बिना कारण से तेरे घर में क्या हुआ था, तेरे घर में क्या बनाया था, लेकिन कोई प्रभु की चर्चा नहीं, दुनिया की चर्चा। कहते इनको बताए ये भेड़िया है, हैं? ये चार तरह का साधारण श्रोता, और कथा चार तरह का है। बताओ चार तरह का कथा में क्या क्या है, किसको याद हो, बोलो बोलो कोई वो किसको याद हो, बोलो। एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी और एक निर्गुण है, ये चार तरह का कथा है। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो भगवान की कथा सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा बताने कोई मतलब नहीं। कहते राजसी कथा किसको कहते हैं, बड़ी ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, भैया कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, कभी कभी उसमें इतने बिजी हो गई, असली जो मूल जो कथा सुनना कथा तो सुन नहीं पाए, कौन कहां पर रोका, किसको चाय पानी पिला कि नहीं, कौन कहां पर किया, उसी में ही अपना समय को चला गया, लेकिन भगवान की कथा जो नहीं सुन पाते हैं। कहते ये राजसी कथा है।
बोले तामस की कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन की कथा रखी है, किसी तरह से इच्छा हो गया तो बैठ गए, इच्छा नहीं हुआ तो खड़े होकर के चक्कर लगा करके आ गए, कभी आधा में, कभी लास्ट में, कभी ध्यान से, बिना ध्यान से, किसी तरह से सात दिन को बिता देना, इसको कहते तामसी कथा। ये कथा भी सही नहीं। बोले सही कथा किया, बोले निर्गुण, निर्गुण कथा है। निर्गुण कथा मतलब बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। कहते अपना जीवन जिसने भागवत कथा में लगा दे, नित्य सेव्यम, जिसने रोज नियमित करके क्या करो, भागवत हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, कोई सदग्रंथ को जो नियम करके रोज रोज अपना घर में अध्ययन करे, अपना घर में उसको पठन पाठन करे, रोज नियम करके। कहते भागवत कथा की इतनी महिमा है, कहते अगर एक श्लोक कोई पढ़ लिया, अगर एक श्लोक नहीं, अगर किसी ने आधी श्लोक पढ़ लिया, बोले आधी नहीं, आधी से पुण्य आध, कहते भागवत के एक चौथाई अगर कोई श्लोक अपना घर में पढ़ लिया, कहते उसको घर में प्रिया प्रियतम श्री गोविंद देव और श्री राधा रानी उसकी घर में नित्य विराजमान रहते। और जिसको घर में ये भागवत ग्रंथ, केवल भागवत ग्रंथ रहे, कहते उसी घर में तो ठाकुर जी जुगल सरकार उसकी घर में नित्य विराजमान रहते, श्री ठाकुर का निवास है। जिसकी घर में केवल ये ग्रंथ जिस घर में हो जाए, इसलिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन को ही प्रभु की भक्तिमय बना दे, रोज नित्य नियम करके कुछ ना कुछ भागवत ग्रंथ को अध्ययन करे, भगवत गीता पढ़े, कहते यही कथा ही सही कथा है जो अपना जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दे। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लोग मेरे पीछे पीछे दो मिनट कीर्तन कर लो, देखो कीर्तन कर समय ताली बजाओ, क्या करना, ताली बजाना। बोले ताली क्यों बजाएंगे, ताली बजाने में बड़ा महत्व है, अगर ताली बजाओगे ना पहला नंबर तुम्हारी सारी रोग खत्म हो जाएगी। अब देखना जहां जाओ कथा में कीर्तन में, फिर भैया ताली बजाओ ताली बजाओ, कहते ना ताली बजाओ। बोले ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं, उसमें चार ही फायदा है, कितना फायदा है, कितना फायदा है, चार। आज मैं बताऊंगा फिर कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहला फायदा है, वो के उदाहरण दिए, जैसे आपने गेहूं नहीं तो कोई दाल सुखाने के लिए दिया, कोई चिड़िया उसको खा रहा है, आप भगाने के लिए क्या करते हो, ताली बजाते हो, ताली बजाने पर चिड़िया उड़ जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं जब प्रभु की हम भक्ति करें उसी समय जितने पाप आकर के हमें भजन करने नहीं देता, ये पाप रूपी चिड़िया हमारे सर पर बैठ जाती है, अगर ताली बजाओ तो ये पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगी, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ है, आप लोगों सुने होंगे एक आकुप्रेशर, नाम सुने आकुप्रेशर, हाँ ये पहले भारत में था, अभी चाइना, चाइनीज लोग सबसे ज्यादा इसमें लाभ उठा रहे हैं। आप रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, देखे हो रामदेव बाबा का, कहते ना यहाँ पर दबाओ कैंसर सही होगा, यहाँ पर डायबिटीज, यहाँ पर तुम्हारी हजम शक्ति बढ़ेगी, देखे कहते ना ये एक एक पॉइंट को बताते हैं। लेकिन आप जब ताली बजाओगे सारे हाथ का पॉइंट दबती है, सारे पॉइंट दबती है, इसलिए देखना अब एक मिनट के बाद ताली बजा लो, देखना शरीर का ऊर्जा पैदा हो जाता है। अब देखना कहीं योगा करते होंगे जोर जोर से ताली बजाते हैं, इसमें दूसरा नंबर तुम्हारी जो हेल्थ है वो हेल्थ तुम्हारी सही रहेगी, एकदम कोई बीमारी नहीं आएगी। मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया गया था प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने बताया आपने हिगड़े को देखे हो, बोले हाँ, बोले हिगड़े को कभी बीमारी देखते हो, हिगड़े को देखना उनका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता, वो अच्छी बात बता रहे थे। बोले क्यों आप हिगड़ा देखना, ताली बजाते ना हिगड़ा, इसलिए ताली बजाने पर शरीर का सारे बीमारी सही हो जाता है, हाँ? इसलिए ये ताली बजाओगे तो शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, कहते ये दूसरा लाभ है। कि तीसरा लाभ क्या है, जो आप लोग साइंस पढ़े होंगे, जो पढ़े स्टूडेंट देखना, शरीर की जितना नस है ना वो पैर और हाथ सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आप जब
ताली बजाओगे सारे नस खुल जाती हैं। बड़े इंटेलिजेंट वो बच्चा बनेगा जो ताली बजाएगा। क्यों? ताली बजाने पर सारे नस खुल जाती हैं। ये पैर हाथ से जाकर के सर में से जुड़ा हुआ है। आप बड़े इंटेलिजेंट बनेंगे। आज सबसे ज्यादा फायदा समझो, ताली बजाओगे तो क्या होगा? सबसे बड़े फायदा, जैसे अगर हम संसार में बहुत ज्यादा कोई दुखी हो जाए, संसार में हम ज्यादा कहीं दुखी हो जाए, फिर क्या करते हैं? हम किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं। माताजी अब क्या बांट रहे हो? अभी कथा सुनो। माताजी बैठ जाओ, कथा सुनो बैठी करके। हरे कृष्णा। इसलिए अगर हम ज्यादा कहीं दुखी हो जाते हैं ना, हम कहाँ जाते हैं? किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं। बोले क्यों? बोले थोड़ा हाथ देखो तो, इस संसार से दुख कष्ट क्यों नहीं जा रहे? संसार से दुख कष्ट क्यों नहीं जा? थोड़ा हाथ देख लो। बोले भैया बताओ, क्या ज्योतिष से हमारे दुख हर लेगा? क्या ज्योतिष से हमारे दुख हर सकता है? हर नहीं सकते हैं। वो हरने वाले ठाकुर जी है, हैं? वो ठाकुर जी, इसलिए उनका नाम ईश्वर कहते हैं। बोले ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? बोले अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सकते सावे ईश्वर। हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं वो भगवान है। भगवान ही हमारी भाग्य रेखा को बदला सकते हैं। दुनिया में और कोई नहीं बदला सकता हमारे भाग्य रेखा को, हैं? जैसे हम ताली बजाते हैं, बोले ताली क्यों बजाते हो? बोले दूसरी की स्वागत में। हम कहते हैं ना भैया, इनकी स्वागत में ताली बजाएगा, इनकी स्वागत में ताली बजाओ। जैसे कथा में जो ताली बजा रहे हो, किसकी स्वागत में बताओ? किसकी स्वागत में? ठाकुर जी की स्वागत में ताली बजाते हो। अगर तुम्हारी भाग्य रेखा में कहीं उल्टा पुल्टा हो, देखो मेरे तरफ में देखो, माताओं के लिए ना ये उल्टा हाथ, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, और भाइयों लोगों के लिए ये जो सीधा रेखा, ये भाग्य रेखा है, हैं? ये दोनों रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा, देखना वो इतना फैलेगा फूलेगा, हैं? उतना फैलेगा फूलेगा। इसलिए आप लोग ताली बजाने से पहले देख लो, और ताली बजाने का बाद में देख लो, क्योंकि भगवान की कीर्तन है, ताली बजा रहे हो ना, स्वागत ठाकुर जी की कर रहे हो ना। ठाकुर जी हमारे सारे भाग्य रेखा को ठाकुर जी बदला सकते हैं। इसलिए जोर जोर से ताली बजाना, हमको ये चार ही फायदा होगी, ताली से चार ही फायदा होगी, ठीक है ना? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Kr
चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचारित। अभी जो भगवान का नाम लेते हैं कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम। जो जो कीर्तन किया उनको सारे अमंगल दूर होने लगे, पाप अपने आप खत्म होने लग गया। कि जो पापी था ये दुखी होकर के ठाकुर गोविंद देव के पास में गया, बोले ठाकुर जी जगत में ऐसे नाम लाए हो, सब तेरे नाम लेकर सीधा वैकुंठ जा रहे, वृंदावन जा रहे, मेरे को मार दो नहीं तो कोई जगह दे दो। देखो ठाकुर जी क्या कह रहे, बोले देखो जब कोई व्यक्ति हरि कीर्तन करेगा उसका पाप का सर को ऊपर से उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके बैठेगा कहां पर, उसको तो कोई जगह चाहिए ना। जो नाम लेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगी कहां पर, जो हरिनाम नहीं करेगा, जो हरिनाम नहीं लेगा उसको सर पर ये पाप बैठ जाएगी। इसलिए जब ये हरि कीर्तन होना सबके सब हरिनाम लेगा, ठीक है ना। और देखो इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम, हरे कृष्ण और राम। देखो इसका मतलब क्या है, हरे मतलब होता है दो अर्थ है, ये हरि से ये हरे, बोले हरि नाम क्यों, बोले हरि मतलब हमारा जीवन का जितने दुख कष्ट पाप ताप को जो हर ले, जो जीवन में जितने दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि। अगर हरि नाम करोगे तो हरि का नाम दुख कष्ट जाएगा। एक नाम कृष्ण, बोले कृष्ण क्यों, बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना। और हमारा जो मन है देखना बड़ा चंचल है, मन भटकता रहता है इधर उधर, मन हमारी स्थिर नहीं रहती है। लेकिन क्री बोलते ही ये चंचल मन को जो आकर्षण करते हैं और उसको भटकने नहीं दे। और स्ना मतलब होता है आनंद दे। कृष्ण का मतलब हो गया दो, कृष्ण नाम लेने से दो फल मिलेगा। क्री मतलब चंचल मन को जो शांत कर ले, और स्ना मतलब जो आनंद दे, आनंद दे। इसलिए कृष्ण बनने से क्या होगा, मन भटकेगा नहीं, जीवन में आनंद देगा। और तीसरा नाम राम, बोले राम का मतलब क्या, बोले सबका हृदय में जो रमण करे और जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे, जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। इसलिए ये महामंत्र में ये तीन नाम है, हरि कृष्ण और राम। अगर ये नाम करोगे ना आपको तीन फल मिलेगा है। इसलिए जोर जोर से करना। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है, हरे मतलब राधा जी, कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है, कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे तो हो गया राधा फिर राम, बोले कृष्ण राधा जी को साथ में रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम राम है। इसलिए जो महामंत्र श्री राधा कृष्ण का जुगल नाम है, ठीक है। इसलिए हरि नाम करोगे तो तीन फल मिलेगा, इसलिए सबके सब साथ साथ में करना, ठीक है। हरे I'm gonna make you mine.
जन्मातस्य जतो नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयो अधिकवय मोहिहंति जत सूरयो। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत का प्रारंभ करते हैं कहते तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किया। बोले जो पहला श्लोक मंगलाचरण की, बोले भैया ये मंगलाचरण क्या होता है? बोले कोई भी काम करो अगर मंगलाचरण करते हुए वो काम को करो ना, वो काम बहुत अच्छे तरह से काम संपन्न होता है, उसमें कोई बाधा विपत्ति नहीं आती, अच्छी तरह से काम बन जाती, उसको मंगलाचरण कहते हैं। ये भागवत का जो पहला जो तीन श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, समझो ये तीनों श्लोक में सब कुछ भागवत है। जो पहला श्लोक है उसमें बोले सत्यंग परम धीमहि, हम जो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। बोले भैया परम सत्य कौन है? ये परम सत्य है कौन? बोले श्री गोविंद देव ही परम सत्य है, ये कृष्ण ही परम सत्य है, हैं? ये कृष्ण ही परम सत्य भगवान कृष्ण श्री गोविंद देव है। कहते ये एक श्लोक के ऊपर में बड़ी झगड़ा है। बोले झगड़ा क्यों? कारण क्या? बोले कारण है ये श्लोक में किसका नाम नहीं दी गई, केवल उसमें विशेषण 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 मतलब होता है उसकी केवल महिमा महिमा गाई गई, उसमें किसका नाम नहीं दिया गया। इसलिए जो शंकर जी की उपासना करते हैं भैया कहते ये श्लोक तो सिर्फ भोले बाबा के लिए। अभी जो मैया देवी को जो पूजा करते हैं बोले भैया ये मैया देवी के लिए। जो श्री सूर्य देवता को उपासना करते हैं कहते भैया ये श्लोक तो श्री सूर्य देवता के लिए। अभी भैया सचमुच से फिर बोले किसके लिए? लेकिन श्री बल्लभाचार्य कहते हैं ये बहुत बड़े संत हुए हैं, कहते भैया ये श्लोक तो केवल श्री बांके बिहारी के लिए, श्री गोविंद देव के लिए ये श्लोक। बोले आप कैसे बता रहे हो ये गोविंद देव के लिए कैसे, इसमें तो किसका नाम ही नहीं दी गई। तो वो कहते हैं वो जो ध्यान है कहते वो परम सत्य के लिए है, जो परम सत्य है। इसलिए कृष्ण जब मातृ गर्भ में आए 33 करोड़ देवता वहां पर प्रकट होकर के, हम परसों सुनेंगे, सारे देवता कृष्ण की गर्भस्तुति कर रहे थे। वो गर्भस्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सुजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। ये सारे देवता बता रहे हैं जो पहले सत्य थे, अभी भी सत्य, बाद में भी सत्य, उनका धाम भी सत्य, उनका भक्त भी सत्य, वो परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वो करते हैं क्या? बोले जिनसे, जिनके आदेश पर ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी जगत को संहार करते हैं और भगवान विष्णु जगत को पालन करते हैं, हाँ, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे ज्ञान को जिन्होंने स्पूर्ण कराया, जिनकी माया में हम आगे सुनेंगे ब्रह्मा भी मोहित हो गए, जिनकी माया से स्वयं इंद्र देवता कृष्ण जब गिरिराज उठाए, इंद्र भी जिनकी चरण में आकर के माफी मांगे, जब कृष्ण स्वर्ग में गए पारिजात वृक्ष लेने के लिए 33 करोड़ देवता जिनकी चरण में शरणागत हुए, ये कौन है? ये भगवान कृष्ण है। तो यहाँ हमारे रसिक टीकाकार लोग कहते हैं भैया केवल कृष्ण की क्या भक्ति करनी चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए? बोले नहीं, केवल उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी जो पराशक्ति श्री राधा रानी, कहते राधा जी को साथ में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। वृंदावन गए ना, कौन कौन वृंदावन गए हो? कौन कौन? कोई हाथ नहीं उठा रहा, डर लग रहा है सब। इसलिए आप देखना वृंदावन में तो कोई भी कृष्ण कृष्ण वृंदावन में नहीं बोलते, जानते हो किसका नाम लेते हैं? कोई जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी राधा जी का नाम लेते हैं। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? वहां कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते? कारण क्या? कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबिन असभास तद्भाव गंभीरचिता
कुतः श्याम सिंदूरस्याव गाव। कृष्ण कहते हैं अगर मेरी भक्ति को कोई पाना चाहते हो ना, पहले तीन चीज को अपना घर में तुमको मिलेगा, नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से मैं नहीं मिलूंगा। पहले तीन चीज को अपनाओ। बोले तीन चीज क्या है? बोले राधा जी की चरण को पहले आश्रय ग्रहण करो। दूसरी चीज क्या है? बोले राधा जी की चरण को अंकित से वृंदावन धाम को जब तक ग्रहण नहीं करोगे। सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति रस में जो संत डूबे हुए हैं, जब तक ऐसे संतों की चरणों को ग्रहण नहीं करोगे भैया, कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। जैसे कृष्ण बड़े टेढ़े टांग वाले हैं ना, तीन जगह से टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है। इसलिए बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए भगवान तीन जगह में टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, जमुना तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी तेरी जसोदा डोकरिया। तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी, कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है, वो भी तीन जगह से टेढ़े, नजर भी टेढ़ी, सब बोली सब टेढ़ी है। इसलिए कहते वो टेढ़े टांग वालों को पाना चाहते हैं ना, उनको केवल एक व्यक्ति वशीभूत कर सकते, श्री ईश्वरी जी, केवल श्री राधा रानी, केवल उनकी प्रेम में कृष्ण वशीभूत। इसीलिए आप वृंदावन में जाओ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? यहाँ पहला जो श्लोक है, राधा कृष्ण को जुगल जोड़ की उपासना करनी चाहिए। अकेले कृष्ण को भक्ति करने से कृष्ण खुश नहीं होते हैं, इसलिए राधा जी को साथ में कृष्ण को, गोविंद देव मंदिर में गए ना, कौन कौन गए हो वहाँ? क्या अकेले गोविंद ना कौन कौन खड़े हैं? राधा रानी खड़ी है ना, जुगल दोनों ही खड़े वहां पर है। इसलिए पहला जो श्लोक है ध्यान, पर दूसरा जो श्लोक है प्रतिज्ञा। देखो भागवत कथा की कितने महत्व, जैसे ये शंकर जी का नाम क्या है? शंकर जी का नाम क्या है? क्या रामेश्वर, जोर से बोलो रामेश्वर धाम। जैसे श्री रामेश्वर धाम श्री शंकर जी की चरण में कथा हो रही है, आपको पता चला भैया रामेश्वर धाम में भागवत कथा हो रही है, अभी घर से नहीं निकली, अभी घर में बैठे हो, आपको केवल इतना बात पता चल गई, अभी कथा में नहीं आई। अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतनी इच्छा मात्र से ही बोले सत्य हृदय अवरुद्ध तत्र, उसी समय में ही भगवान कृष्ण आकर के, गोविंद देव आकर उसका हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति एक घर में जाए अपनी आप अंदर से कुंडी लगा दे अपनी आप को, उसी तरह केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में गोविंद देव आकर के ऐसे अपनी आप को अंदर से कुंडी लगा कर बैठ जाते हैं, मतलब उसको हृदय से ठाकुर जी निकलने का रास्ता नहीं मिलती। अगर कोई केवल कथा सुनने की इच्छा करे, अगर सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ जाए, भगवान कहते हैं वो इतने पुण्यात्मा जिसकी महिमा हम नहीं बता सकते हैं। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं? बोले सभी नहीं सुन सकते, बोले सुश्रुश्रु ही, जिसकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ तभी ये कथा में कोई आकर बैठ सकता है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को यही बात कहते हैं, बोले अति हरी कृपा जा पर होई, हरी कृपा अति हरी कृपा जा हरि Yeah.
रहे थे पार्वती, ये कथा कौन सुन सकते हैं? बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हम तो बड़े पापी हैं, अब कहते जो पुण्यात्मा वही कथा सुन सकते हैं, हम तो बड़े पापी क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। बोले केवल कथा में बैठ जाओ, केवल कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते अपने आप पुण्यात्मा बन जाओ, अपने आप तुम पुण्यात्मा कथा सुनते सुनते बन जाओगे। इसलिए बोले कथा सुनने की इच्छा मात्र से तुम्हारे सारे पाप और भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कहते ये प्रतिज्ञा है। बोले जो तीसरा जो श्लोक है माजी वाले तेज करो, बोले जो तीसरा जो श्लोक है आशीर्वाद है। आशीर्वाद मतलब है कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा। बोले हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कल्प वृक्षों के नीचे बैठे। कल्प वृक्ष मतलब क्या? बोले जो मांगोगे कथा से, जो मांगोगे कथा तुम्हें वही प्रदान करेगा। कल सुन रहे थे ना, जो रोगी उनको निरोग प्रदान करती है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करते हैं, जिसकी संतान नहीं उनको संतान देते हैं, जो दुखी उसे सुख प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे कोई चीज है ही नहीं जो ये भागवत तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेगी। लेकिन 7 दिन तक सही सही कथा सुननी चाहिए, सही सही कथा सुनना पड़ेगा। हमने कल बता रहे थे ना प्रभु जी को, हम बहुत बड़े बड़े जगह पर गए, बता रहे थे ना कुत्ते जन्म प्राप्त कर लिया था, हाँ उसने दूसरे जीवन में कुत्ता बन गया था, बड़े पैसा वाला था, ये मथुरा की कथा है, बड़े पैसा वाला था, मर कर कुत्ते हुआ, बेटे को स्वप्न दिया मैं कुत्ता बन गया हूँ, लेकिन रोज आकर कथा सुनता था और 7 दिन में प्राण त्याग करके सीधा भगवत धाम के गए। जिनकी संतान नहीं था, हमें तो इतने देखा है, अरे बता रहे 20 साल से जिसकी संतान नहीं थी, कथा सुने भागवत ऊपर फल रखे, फल को लेकर के खाए, 20 साल बाद में उनकी संतान हुई, एक नहीं मैंने कितने देखा है। बोले जो कुछ आप भागवत से मांगोगे ना, जो कुछ आप मांगोगे, क्यों? ये साक्षात श्री गोविंद देव कथा रूप में, ये कल्प वृक्षों के नीचे हम बैठे हुए हैं, जो मांगोगे कथा में तुम्हें वही प्रदान करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज की सावधान भी करते हैं। बोले सावधान, बोले सावधान किया, बोले भागवत तो सब कुछ देगा, जो मांगोगे वही दे देगा, लेकिन हमें ठकनी नहीं चाहिए, ठकनी नहीं चाहिए। उदाहरण दिया, कोई एक धन कुबेर था, धन कुबेर जानते हो, सारी रुपया पैसा की जिसको पास में भंडारा है। एक गरीब ब्राह्मण उनको उपासना की, अभी धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा भर मांगो, लेकिन बेचारा गरीब था, घर पर एक गैया थी, बोले जो कुछ मांगना मांग लो। बोले मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसा दे दो, थोड़ा चुनी भूसी दे दो। बोले मूर्ख, तेरे को मैं इतने धन दौलत दे सकता हूँ, तू खा, तेरा बेटा की बेटा की बेटा खा, तभी खत्म नहीं होगा, और मेरे पास में गैया की खाने के लिए चुना भूस चुने भूस मांग रहे हो, हैं? हाँ, इसका मतलब है ये जो दुनिया की जो रुपया पैसा धन दौलत मांगते ही भागवत दे देगी, लेकिन हम ठग जाएंगे। लेकिन ऐसे एक चीज इनसे मांगो, जो एक चीज मांगोगे ना जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी, इसी जीवन में सुख मिलेगा, और उसी जीवन में तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। इसलिए भागवत से क्या मांगनी चाहिए, हमें श्री हनुमत लाल से सीखनी चाहिए। आप लोग रामायण देखे होंगे, जो माता सीता को उधार करके लाए भगवान राम, हनुमान जी से बताए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता तो ये सीता को ढूंढ करके पाना बड़ा कठिन था, आज तेरे ऊपर में मैं बहुत प्रसन्न हो गया, बेटा मेरे से बर मांगो। हनुमान जी क्या मांगते हैं, बोले बार बार बर मांगो, हरसी देहो श्री रंग तदा सरज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसलिए प्रभु आपके श्री चरण में एक चीज प्रार्थना करता हूं, आपकी चरण में हमें केवल सत्संग दो और हमें निष्काम भक्ति प्रदान करो, अब आपका चरण की हमें सेवा प्रदान करो। आप लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, टीवी में रामायण देखे कि नहीं देखे हो? अब देख लेना, जिस समय माता सीता को उद्धार करके लाए, जिस समय हनुमान जी प्रभु राम के चरण में सर झुका दी और भगवान राम श्री हनुमान जी के सर पर हाथ रखते हैं, हनुमान जी कौन, स्वयं शंकर जी है। आप देखना कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाया और वहां पर दिखाया, जब हनुमान के सर पर प्रभु राम हाथ रखते हैं, कैलाश में दिखाया प्रभु राम का हाथ किसके ऊपर में, शंकर जी के सर के ऊपर में, शंकर जी प्रेम में गदगद हो रहे हैं,
बोले पार्वती आज मेरी जीवन धन्य हो गया, देखो मेरे प्रभु मेरे सर के ऊपर हाथ रखे और मेरे को भक्ति प्रदान कर रहे, हमें प्रेम सत्संग दे रहे, प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान से ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो तो सब कुछ मिल जाए। दादा की छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक अंधा शंकर जी की उपासना की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा वर मांगो। बोले प्रभु मेरे को तीन वर चाहिए। बोले तीन वर नहीं, मेरे को एक जो कुछ मांगना एक वर से मांगना पड़ेगा। लेकिन वो पहले सोच करके आया था तीन वर मांगूंगा। बोले क्या किया? बोले पहला में तो एक आंख नहीं, मेरे को आंख मिल जाए, दूसरे नंबर में मेरे कुछ धन मिल जाए और तीसरे नंबर में कुछ अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही ये बात सोच करके आया था, शंकर जी को तीन भर मांगूंगा। लेकिन शंकर जी बोले भैया मांगना तो एक भर मांगो, जो कुछ मांगना। वो बड़ा चतुर था, बोले एक भर देंगे ना? बोले हाँ। बोले ये भर मेरे को दो, मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखू। शंकर जी तो बोले भैया बड़ा चाला गए, राजमहल के ऊपर में कौन राजा महाराजा होते हैं, हाथी के ऊपर में राजा महाराज, फिर सोने की कटोरी में साधारण बच्चा थोड़ी खाएगा, वो राजा महाराजा खाते हैं। बोले अपना बेटे को देखो, बेटा कब होगा? जब शादी हो जाए। देखेगा कब? जब आंख है, आंख है मिल जाए। शंकर जी बोले भैया बड़ा चतुर है, हाँ बड़ा चाला गए, हाँ। इसलिए हम भी ऐसे चतुर होनी चाहिए। अगर प्रभु से प्रभु की भक्ति प्रेम मांग लिया ना, भगवान ही तुम्हारी प्रेम में बसीभूत हो गए। जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, अगर तुम उनकी बेटा बन गए, उनका सारे संपत्ति का मालिक तो तू ही बनोगे। बेटा ही तो पिताजी का सारे संपत्ति का मालिक बनेगा ना, इसलिए उनको बेटा बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए बोले ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, क्या ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये भागवत ये पका हुआ फल है। बोले भैया ये फल में गुठली नहीं और छिलका नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, खूब इसको पियो, खूब इसको पियो इसको हैं। बोले भैया पहले तो बता दिया फल, आप बताओ फल को खाते हैं ना फल को पीते हो? बोलो, अरे फल को हम खाते हैं ना फल को पीते हो? बताओ, खाते हैं। लेकिन ये कहते हैं ये फल को पियो, ये फल को पियो, क्योंकि ये ऐसे एक चीज है जिसको पी नहीं जाती, इसको जिसको खाया नहीं जाता, इसको पिया जाता है, जिसमें छिलका और गुठली नहीं। जब कोई चीज को हम पीते हैं, आप बताओ किधर से पीते हो? कोई चीज को जो पीते हो किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती है। देखो मुंह से पीने का कानों में पीने का क्या फर्क है? आप कोई भी चीज अगर मुंह में पियोगे वो नीचे निकलेगा, रोक नहीं सकते हो। लेकिन जो चीज आप कानों में पियोगे कभी निकलेगा नहीं, ये हृदय में रहेगा, ये हृदय में रहेगा। इसलिए इसको कहते भैया इसको मुंह से नहीं पी जाती है, इसको कानों से पीनी चाहिए, हैं? इसलिए कानों से पियो। बता भैया पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, रुकती नहीं। एक उदाहरण देते हैं, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, मैं देखूंगा कौन उत्तर दे पाता है। जैसे कि मटकी हो जिसमें छेदी छेद हो, अगर उसको उसको अंदर में कोई चीज डालोगे, पानी डालोगे, वो क्या होगा? निकल जाएगा ना, निकल जाएगी। आप बताओ ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा नहीं, बताओ तो क्या उपाय? जो बोलेगा हाथ उठाओ, छेद ही छेद है, पानी डालोगे तो निकल जाएगी। ऐसे कौन सा उपाय है अगर डालोगे तो एक बूंद भी नहीं निकलने वाला? बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलो 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 बोलो। हाँ देखो, इन्होंने आंसर दिया है, भले ही वो घड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसको पानी में डुबो करके रख लोगे ना, क्योंकि पानी में डूबा हुआ है, इसलिए पानी डालो तो बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? पानी में ऑलरेडी डूबा हुआ है। देखो इसमें बहुत अच्छी बात हमें समझाए, हमारी अंदर में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारे अंदर में छेद ही छेद है, लेकिन उपाय क्या? बोले मुंह रहो,
अगर ये छेद छेद क्यों नहीं हो, ऐसे क्या उपाय तुम्हारी काम क्रोध लोभ तुमको सता नहीं सकता है? क्या करनी चाहिए? बोले पानी में डूब कर रहो। डूब करके रहो मतलब ये कथा रूपी गंगा में अगर हम डूबे अगर रहेंगे, अगर इसमें निकलेंगे नहीं, जैसे सबको हृदय में काम क्रोध लोभ है, लेकिन अभी जब तक हम कथा सुनेंगे आपको कोई काम सता रहे हैं ना? कोई क्रोध सता रहे हैं ना? कोई लोभ सता रहे? कुछ सता रहे हैं? नहीं सता रहे। लेकिन ये कथा के पैंडल से बाहर निकलो, सारे काम क्रोध लोभ आकर के एकदम एकदम सर पर बैठ जाएगी। लेकिन जब तक कथा में रहोगे ना, तब तक ये कथा रस में डूबे रहोगे, तो ये काम क्रोध में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते मुंह रहो, उसमें डूबे ही रहो, उसमें कभी निकलना नहीं है। इसलिए भैया ये कथा को कौन पान कर सकते हैं? बोले दो व्यक्ति पान कर सकते हैं, जो रसिका और भावुका। कहते बोले ये दो व्यक्ति रस को पान कर सकते हैं, मतलब जो भक्ति रस में डूबा हुआ है, जो भावुक जो रसिक वही कथा को सुन सकते हैं। इसलिए पुण्यात्मा लोग ही कथा को सुन सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये घोर कलिजुग आया है। भाई भैया कलिजुग का मतलब क्या है? भाई कलिजुग का मतलब होता है जहां पर केवल कली ही कली, झगड़ा झगड़ा, और जहां पर कुछ है ही नहीं। आप देखना कलिजुग में भाई भाई में लड़ाई, बहु बहु में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, जाति जाति में लड़ाई, ऑफिस में जाओ लड़ाई, मन मन में लड़ाई, लड़ाई 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 लड़ाई, और कुछ है नहीं। इसलिए इसका नाम कलिजुग है। अब ये घोर कलिजुग आने पर सौनकादि ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे? ब्रह्मा जी बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ कर भजन करो। वो चक्र कहां पर गिरा? बोले नैमिषारण्य। अब लोग नैमिषारण्य गए हो? कौन कौन नैमिषारण्य गए हो? हाथ उठाओ कौन कौन नैमिषारण्य। एक माता जी गए और कोई नहीं गए। अब बताओ कौन जाना चाहते हो? बताओ हाथ उठाओ कौन जाना चाहते हो? ठीक है, अब सबको एक बार हम ले चलेंगे घुमाने के लिए ले चलेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर स्थान जहां पर गंगा बह रही है, बड़ा सुंदर बट वृक्ष है जहां पर उन्होंने बैठा कर कथा सुनाई है, ये भागवत कथा सुनाई। इसलिए वो चक्र वहीं पर गिरा, उसका नाम नैमिषारण्य, मतलब जहां एक निमिष समय भी बर्बाद नहीं होता है, वहीं पर चक्र गिरा। ऋषि लोग वहीं पर बैठ करके भजन कर रहे थे। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए और सौनकादि ऋषि बने कहते ये सौनकादि ऋषियों ने हजार सालों से वहां पर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनके मन में शांति नहीं मिल रही थी। जब श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए, उन्होंने सुत गोस्वामी को आसन देकर बैठाए, आसन देकर के बैठा करके बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ये जितने वेद पुराण उपनिषदों को आप अध्ययन किया, सारे ग्रंथों को आप जानते हो सार, इसलिए आप बताओ ये कलिजुग में प्राय करके लोगों का जो परमायु बहुत कम है, सत्य युग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, त्रेता युग में 100,000 से 1 शून्य हटा दो, बताओ तो कितना होगा? 100,000 से 1 शून्य हटा दो कितना होगा? बोलो 10,000 रह गया। त्रेता युग में द्वापर युग आए, 1,000 से 10,000 से 1 शून्य हटा दो कितना हो जाएगा? 1,000। कलिजुग आया, 1,000 से 1 शून्य हटा दो कितना होगा? 100। कलिजुग में परमायु 100, अभी 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहते। और जब घोर कलिजुग आएगा ना, 100 से 1 शून्य हटा दो कितना होगा? 10 साल हो जाएगा। क्योंकि पहले पहले हर चीज प्योर होता था, सारे चीज, अभी आपको कोई चीज प्योर नहीं मिलेगा, हाइब्रिड दे करके बनता है हर चीज, घी कहीं भी प्योर नहीं मिलेगा, भले ही लिखा हुआ शुद्ध घी है लेकिन उसमें कोई शुद्धता नहीं है, भले ही जिसका घी क्यों नहीं हो, आपको एकदम शुद्ध कहीं चीज नहीं मिलेगी, सारे मिलावट चीज है। इसलिए धीरे 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 परमायु घटते 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 जाएगी, घटते घटते जाएगी। इसलिए
ये कलिजुग में परमायु कम, उसको बाद में प्राण अल्पायु से सब कला भस्मिन जुगे जन्म मन दा सुमंद मत। कलिजुग में जीव का मन कैसे है, बोले स्वाभाविक रूप में इनका मन गलत चीज में जाती है। भजन करना तो मन को खेच खांच करके कहीं ठाकुर जी की चरण में लगाना पड़ता, लेकिन स्वाभाविक रूप देखो मन गंदी गंदी बात में जाती है। फिर सुमंद मतयो, पहले लोग क्या करते थे बताओ, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, लेकिन अभी समय मिले तो टीवी खोल कर बैठ जाएंगे हैं कि हमारे गुरु जी कहते ये टीवी नहीं, कहते ये कलयुग ने ये टीवी बन करके आया है। पहले एक चैनल होता था, अभी सारा दुनिया की चैनल सास बहू की लड़ाई कैसे हो रही है और उल्टा पुल्टा चीज बैठ गए और सारा दुनिया की चैनल। फिर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बिगड़ता है स्मार्टफोन आ गया, ये इतने बच्चों को यंग जनरेशन को इतने बिगाड़ रहे पागल। फिर छोटे बच्चों गेम और छोटे छोटे बच्चे देखना मोबाइल छीन लो रोना छोड़ कर, छोटे छोटे बच्चे लोग और उसमें तरह तरह का साइड इफेक्ट है, तरह तरह का साइड इफेक्ट इसकी, तरह तरह का बीमारी इससे प्रकट हो रही है, तरह तरह का बीमारी। इसलिए ये कलयुग जीव को सर्वनाश करने के लिए ये सबके सब आए। देखो एक संत कह रहे थे जब कृष्ण आए थे उस समय साइंस अभी की साइंस से बहुत एडवांस था उसी समय। अब गीता देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, संजय कहां पर बैठा हुआ और महाभारत युद्ध कहां हो रहा है, बिना कनेक्शन के सब कुछ देख करके धृतराष्ट्र बोल रहा था। पहले साइंस, अभी तो एटम बम, पहले ब्रह्मास्त्र था, पहले अग्नियास्त्र, अर्जुन को अस्त्र देखे हुए ना, धनुष मार्ग तो आकाश में बारिश होने लग जाती है, बाण मार्ग तो आग प्रकट हो जाती है, हैं? ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता था इतने। अभी एक संत कह रहे थे बोले भैया उसी समय ये फोन क्यों नहीं निकला, उस समय ये फोन जो स्मार्टफोन इंटरनेट ये जो इस उस समय क्यों नहीं निकला, उस समय तो निकल सकता था, क्यों नहीं निकाले उस समय तो, क्यों साइंस बहुत एडवांस निकाल सकते थे। बोले ये कलयुग में क्यों निकाला, बोले इसलिए निकला कलयुग में, ये दुनिया इससे ध्वंस होने वाले है। वो कह रहे थे इससे ही दुनिया ध्वंस होने वाले, ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन इसी से ही दुनिया ध्वंस होगा, इसलिए उसी समय नहीं निकला था और इसी समय में निकला। कलयुग घोर कलयुग हो रहा है ना, इसलिए ये सब चीज निकल रहा है। इसलिए फिर झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब अगर पत्नी थोड़ी सत्संग में आए, अगर उसको थोड़ी सी भजन में मन लगे, पति भजन करने नहीं देगा, बोले कौन सी संत बाबा के चक्कर में तो पड़ गई, ये जो गीता भागवत लेकर बैठ गए। अगर पति अगर किस तरह से सत्संग में आ गए, इनके थोड़ा भजन में रुचि, पत्नी बोली कोई काम धाम नहीं, जब तो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो। अगर बच्चे अगर थोड़ी सी कंठी माला तिलक लगा दे, बोले ये कोई उम्र है तेरे भजन करने का, लेकिन शराब पिए सिगरेट फूके बोले वेरी गुड, बच्चे तो एडवांस हो रहा है, लेकिन अगर तिलक कंठी माला तेरा पहन लिया बोले उम्र है तेरा भजन करने का। कहते कलयुग में इतनी उपद्रव भजन में, केवल भजन में उपद्रव, और कोई गंदी शराब पीने में उपद्रव नहीं, सिगरेट फूकने जुआ खेलने से लड़की लड़काबाजी करने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भजन करने के लिए जाओ तो सारे उपद्रव इसी में ही है। इसलिए वो प्रश्न करते हैं फिर जीव का कल्याण कहीं हो कैसे होगा, तो उन्होंने उनको छह प्रश्न किया है। ये छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत छह प्रश्न का उत्तर अभी मैं बताऊंगा, ये छह प्रश्न किया है। और कल मैं देखूंगा कौन मेरे को बोलेगा, जो बोलेगा ना उसको मैं बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कल मेरे को ये छह प्रश्न कौन बोलता है, ठीक है, ध्यान देकर सुन लेना। हाँ, इसका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इतना याद रहेगा तो। इसलिए देखना हम जो कुछ घर में करते हैं शांति के लिए, पढ़ाई क्यों करते हैं शांति के लिए, नौकरी चाकरी क्यों करते हैं शांति के लिए, शादीशुदा क्यों करते हैं शांति के लिए, दुकान मकान क्यों बनाते हैं शांति के लिए। देखना जो कुछ घर में करते हैं उसका मूल उद्देश्य है हमें जीवन में शांति और सुख कैसे मिलेगी सब। लेकिन घर में अथाह पैसा है, दुकान मकान का कोई कमी नहीं, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, वो पैसा की कोई महत्व नहीं। अगर सुख है दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये सबसे बढ़िया चीज, ये जगत में सबसे अनमोल वस्तु शांति। इसलिए का इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हैं? और दूसरी जो प्रश्न है कहते कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या,
देखो एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ी हुई है, एक से दूसरे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो कभी जीव को कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, बोला हरि से विमुख होकर के। लेकिन हमारा क्या धारणा है, ज्यादा पैसा कमा लेगा तो शांति सुख हो जाएगा। अंबानी का नाम सुने हो, शायद रास्ता की रोड में जो काम करता है ना वो जितने चैन से सोता होगा अंबानी के साथ इतना चैन से नींद नहीं आती होगी। विश्वास करते हो, मानते हो ये चीज को कि नहीं मानते हो? इसलिए इनकी दूसरी प्रश्न है भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी शांति नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर रावण जैसे व्यक्ति स्वर्ण की लंका में, मंदोदरी जैसे पत्नी, मेघनाथ जैसे बेटे को भी चैन नहीं मिली। इसलिए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय दूसरे। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। कृष्ण एक होने पर भी इनका तीन धाम है, एक द्वारका धाम, एक मथुरा धाम और एक वृंदावन धाम। हमें ये तीनों भगवान की कथा सुनाओ, द्वारकाधीश की, मथुरा से और से वृंदावन की। जो उनकी चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कभी भगवान कभी राम रूप में आए, कभी नरसिंह बनकर के आए, कभी बराह बनकर के आए, कभी भगवान मत्स्य अवतार में आए, कभी बामन बन करके आए। हमें भगवान कृष्ण के जितने अवतार है उनके अवतार को भी कथा सुनाओ। इनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान कृष्ण की अद्भुत जस, जैसे कृष्ण 6 दिन की थे पुतना को मार डाले, 3 महीना में शकटासुर को, 3 साल में तृणाव्रत को मार डाले, भगवान कैसे 4 साल में कैसे अघासुर को, 5 साल में कैसे बकासुर को मारे, 6 साल में कैसे काली अगर सर पर नृत्य की, 7 साल में गिरिराज उठा लिए हैं। इसलिए हमें कृष्ण की जो अद्भुत जस है, जो पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये कलिजुग, भगवान जब ये जगत छोड़कर गए कलिजुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया, हमें कृपा करके ये सारे प्रश्न की उत्तर दो। ये प्रश्न सुनकर के श्री सुत गोस्वामी हृदय गदगद हो गया, बोले क्यों, बोले ये जितने प्रश्न हैं सब के सब भगवत संबंधी प्रश्न, ये दुनिया की दारी कोई प्रश्न नहीं। शिक्षा देते हैं संतों को पास में जाओ ना, ये दुनियादारी की बात मत करो, ठाकुर जी की चर्चा करो तभी ये प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जब इन 6 प्रश्न की इनका हृदय रोम रोम खिल उठा, सबसे पहले बोले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके फिर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। फिर इन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले बंदाओ गुरु पद पदो माँ परागा, बंदाओ गुरु पद पदो माँ परागा, बंदाओ गुरु पद पदो माँ परागा, बंदाओ गुरु पद पदो सुरुचि सुरा गुरु जी के चरण में प्रणाम की है, क्योंकि जो भक्ति है ना, ये जो हमारी सनातन धर्म है, ये जो भक्ति कहाँ पर टिकी हुई है, बोले गुरु जी के चरण में टिकी हुई है। इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद है, वाक्य मूलम गुरु वाक्य और मुक्ति मूलम गुरु पद। बोले ध्यान किसको करनी चाहिए, बोले गुरु जी की। बोले चरण किसकी पूजा करनी चाहिए, बोले गुरु जी की है। बोले गुरु जी की कृपा से ही कृष्ण कहते हैं प्रथमं तु गुरु पूज्यं,
अगर हम दोनों खड़े, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाऊं बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। इसलिए कृष्ण कहते प्रथम मंत गुरु पूज्यम तथैव ममार्चन, पहले गुरु जी की पूजा करो उसको बाद में मेरी पूजा करो, नहीं तो निष्फलम भवे, कहते उसका पूजा नहीं तो निष्फल हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई, बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ लेकिन अगर सदगुरु चरणा आश्रय नहीं करे तो कदे जीवन से तर नहीं जाते। लेकिन एक बात है, कहते ना गुरु कर जान के और पानी पियो, पानी पियो छान के, गुरु करनी चाहिए, नियम है गुरु करनी चाहिए, ऐसे नहीं अज्ञान अंधकार जैसे गुरु करे, नहीं। शास्त्र में बताया गुरु जी की तीन गुण होनी चाहिए तब वो गुरु जी कर सकते हो। पहला तो गुण है किसी शुद्ध परंपरा में आनी चाहिए, ये चार वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय से गुरु ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा है कहते सारे शास्त्र उनको पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारी अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। तीसरा गुण बताए केवल शास्त्र जानता है इतना बात नहीं, बोले परेच, परेच मतलब है भजनशील होनी चाहिए, केवल दूसरों को उपदेश देने में ज्ञानी है लेकिन अपना भजन साधन में जीरो है, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे जो बोलते हैं वो अपना जीवन में आचरण में लाते कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी की चरण वंदना की, बोले मेरे गुरु जी कौन, बोले मेरे गुरु जी साधारण नहीं, बोले जम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृतम, जो माँ के पेट में 16 साल तक रहे, जो माँ के पेट से निकलना नहीं चाह रहे थे, गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे, व्यास देव जी ने पूछा भैया तू है कौन, ये माँ को क्यों इतना कष्ट देते हो, निकल करके आ जा, बोले नहीं मैं तो गर्भ में बढ़िया हूँ, भजन हो रहा है, हैं पेट में भजन हो रहा है, ये संसार माया की संसार, ये माया संसार में मैं आना नहीं चाहता हूँ, हैं मैं तो गर्भ में ठीक ठाक हूँ, बोले मैया को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, निकल करके आ जाओ, बोले ये संसार माया संसार, मातृ गर्भ में हर जीव भगवान से कसम खाता है, क्या कसम खाता है, ये भगवान कपिल देव आगे जाकर के सुनेंगे, कहते माँ गर्भवास नरकवास बराबर है, पेट में जो बच्चा आता है नरक में जैसा आता है, टाटी पेशाब फूल पीक में भरा पड़ा हुआ पेट, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है, हैं? उस समय माताएं जब चटपटी चीज खाती हैं उसमें बच्चे को शरीर में बड़ा कष्ट देता है, वो भगवान को पुकारता है प्रभु मेरे को नरक से निकालो, मैं और ये पाप कर्म नहीं करूंगा, पेट में आना नहीं चाहता हूँ, ये नरक से निकालो। भगवान ने कहा बताओ अभी क्या करोगे, निकल करके, बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई किसी के नहीं, माया के संसार है, वो मेरे पिता माता पत्नी बच्चे है कहाँ, जिनको इतना कष्ट करके मैंने पाला पोसा, वो सुख का समय में सारे साथ थे और दुख में कोई है ही नहीं, सब कहाँ है सबके साथ, ये संसार मतलब का माया के संसार, एक बार मेरे को जन्म दोगे ना कभी भी ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, तेरे भजन करूंगा। भगवान कहते हैं क्या तू धूप में पड़ करके बोल रहे हो ना, सचमुच से निकल करके भजन करोगे, बोले प्रभु मैं कसम खाता हूँ तेरा नाम लूंगा तेरे भजन करूंगा, बोले सही सही बोल रहे, बोले एकदम सही बोलता हूँ। भगवान बोले देखो अगर तू भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना ये मेरा फर्स्ट वार्निंग, जब बाल एक पक जाए, लेकिन हम क्या करते हैं जब शीशा में देखते हैं एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते हैं, बोले हम थोड़ी इतना जल्दी जल्दी बूढ़े थोड़ी हो गए, इतना जल्दी बूढ़े बना रहे, फिर दूसरा बाल पक गया उखाड़ देंगे, तीसरा पक गया उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन गया तो फिर कलर कर देते हैं, हाँ कहते अभी हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंख में कमजोरी आ जाए, फिर बढ़िया गगलेस चश्मा पहन लेते हीरो बन जाते, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले एक एक दांत तोड़ना तुम्हारे शुरू कर दूंगा, एक एक दांत टूटना एक एक वार्निंग, अगर पूरा टूट जाए फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर 32 दांत लगा देते, खिलखिला कर हंसते हैं, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते चौथा वार्निंग दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले दो प्यार से फिर तीन प्यार हो जाएगा, फिर डंडा लेना शुरू कर दोगे, डंडे कमर तोड़ दूंगा हाथ प्यार,
डंडा लेना शुरू कर दोगे, फिर तो मैं फिफ्थ वार्निंग दूंगा नहीं, बोले राम राम सत्य है। कहते ये एक एक वार्निंग ही माया की, भगवान की एक एक वार्निंग। इसे समय रहते क्या करो, एक बार हाथ उठाओ, बोला हरे कृष्ण तो बोल नहीं रहे, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार आप बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। कहती है माया की एक एक वार्निंग ठाकुर जी को, इसलिए समय रहते प्रभु की हमें भक्ति कर लेनी चाहिए। तब श्री सुतो गोस्वामी इनका पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, याद है कि नहीं? बोलो तो पहला प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा? जोर से बोलो, सब भूल गए इतना जल्दी। हम एक काम करके मेरे रूम में जाओ, एक हरे कृष्ण। इसलिए पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसलिए देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, ये करोड़ रुपया, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। इनका प्रश्न उन्होंने एक श्लोक में इसका उत्तर देते हैं, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहाई तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले ये आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये जीव ठाकुर जी की शरण में जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, तभी जीव को परम शांति मिलेगी। बोले क्यों? बोले जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान है। इसलिए कहते हैं ना, तुमेव माता च, बोलो तुमेव माता च, तुमेव बंधुश्च, तुमेव विद्याम, तुमेव सर्वम। इसलिए भगवान हमारी पिता माता भाई बंधु कौन है, बोले भगवान ही हमारा उन सब कुछ है। लेकिन ये दुख कष्ट फिर हमें क्यों मिल रहा है? कारण है, बोले कृष्ण भूली सही जीव अनादि भैरव, हम लोग ने भगवान को भूल गए हैं। भूलने के नाते भगवान ने ये माया की संसार बनाए और ये जेल में ठाकुर जी हमें डाल दिए। अगर यहां से अगर निकलना चाहते हो क्या करो, फिर ठाकुर जी के शरण में शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो जाओ। क्योंकि हम लोग कौन है, बोले हम अमृत से पुत्रा, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हमारा जो पिता है वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ये भगवान श्री गोविंद देव है, उनकी हम औलाद है। देखो कि छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय कोई राजा के एक बेटा था। अभी बेटा ने कुछ गलती किया तो राजा ने उसको डांट दिया तो बच्चा बड़ा अभिमान करके अपना घर छोड़ दिया। तो अभी किया करेगा, अभी किसी चाय की दुकान में जाकर के बर्तन धुल रहा है, हाँ उसकी दुकान की सफाई कर रहा है। अभी राजा बड़ा दुखी, मेरा बेटा कहाँ चला गया, भविष्य में जो राज सिंहासन को संभालने वाले, बड़ा दुखी। अभी बेटा भी बड़ा दुखी, पहले तो छापान भोग 36 व्यंजन को सेवा करता था, अभी दर दर भटक रहा है। अभी फिर राजा का बच्चा सोच रहा है, अगर मैं घर में आऊं क्या फिर पिताजी मेरे को स्वीकार करेंगे, इसी वजह से फिर घर में वापस नहीं आ रहा है। एक दिन ये राजा ने अपना मंत्री को बोला, देखो तो मेरे बेटा कहाँ चला गया। अभी वो मंत्री ढूंढते देखा उसका बेटा चाय की दुकान में बर्तन मल रहा है और झूठे जगह को साफ सुथरा कर रहा है। अभी मंत्री ने आकर के उसका दोस्त बन गया, इतने प्यारा दोस्त बन गया। एक दिन ये मंत्री ने पूछा, बेटा तू है कौन, कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन वो राजा का बेटा सबको हृदय की बात नहीं बोलता था, लेकिन ये प्यारा दोस्त हो गया ना, एक दिन इसने बोल पड़ा, ये राजा का मैं बेटा हूँ। बोले फिर तू घर से क्यों निकल गया? बोले एक दिन मैंने कुछ गलती की तो पिताजी ने मेरे को डांट लगाए और मैंने अभिमान करके घर से निकल गया। बोले तू फिर वापस क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं सोचता हूँ
अगर वापस जाऊंगा क्या पिता मेरे को स्वीकार करेगा कभी? बोले बेटा मैं वही राजा का मंत्री हूं, तू जितने दुखी है तेरे से तेरे पिता ज्यादा दुखी है। इसलिए जैव धर्म में बताया जब जीव भगवान से विमुख होकर के चले जाए भगवान भी रो रो करके उसे पीछे पीछे भटकते हैं। बोले बेटा एक बार तो मेरे तरफ में झांक करके देख, तू तो माया तरफ में देख रहे हो, मेरे तरफ में तू झांक करके देख ही नहीं रहे हो। एक बार अगर वो झांक करके देख लेना फिर भगवान अपना गोद में भर लेते। क्यों? पिता माता की स्वभाव की जो स्नेह है अपना बेटे के प्रति। अगर बेटा सुखी रहो पिता माता सुखी रहते हैं, अगर बेटा दुखी हो तो पिता माता सुखी रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। बोले तेरे से ज्यादा तेरे पिताजी दुखी, इसलिए तेरे पिताजी तेरे पास में मेरे को भेजा। तो उसने बोले फिर पिताजी मेरे को स्वीकार करेंगे? बोले मेरे को तो भेजा तेरे को लेने के लिए, घर में जाओगे? बोले तो मैं तो घर में जाना चाहता हूँ। बोले चलो हम तुमको अपना घर में ले जाते हैं। कहते उसी तरह हम भी अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है उनका हम बेटे हैं। लेकिन पिताजी डांट लगाए। बोले क्यों? हमने पिताजी के आदेश पालना नहीं की। पिताजी ने कहा बेटा मेरा भजन कर, मेरा भक्ति कर, ये सारे संपत्ति का तुम भोग करोगे। लेकिन हम पिताजी की सेवा छोड़ दिए, इसलिए पिताजी हमें घर से निकाल दिए। हैं कहती ये मंत्री कौन है? बोले ये सदगुरु है। ये सदगुरु आकर के हमें समझाते हैं। बोले बेटा तू अथाह संपत्ति की मालिक, लेकिन अभी तू दर दर भटक रहे हो, तो अपना पिताजी की शरण में चले जा। अगर हम पिताजी की शरण में चले जाएंगे सारे राज संपत्ति का मालिक तीन हम ही बन जाएंगे। हैं इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो उनने दो उदाहरण देकर समझाए। बोले अहेतुकी और एक अप्रतिहता। बोले अहेतुकी मतलब भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब भक्ति निरंतर जमी होनी चाहिए। भक्ति निरंतर जमी मतलब जैसे एक शहद को डालो, देखना उसमें एक धागा बन जाती है, उसमें एक धागा बन जाती है। भक्ति ऐसे कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे हम थोड़ी साधु संत हैं, हमारा बीबी बच्चा दुकान मकान घर द्वार हमारा सब कुछ, आप थोड़ी हम साधु ये सब काम धाम छोड़ करके और दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण नाम करते रहेंगे? हैं आप बोलोगे, आप कहते निरंतर जब मैं निरंतर हो हैं हम छोड़ी साधु संत थोड़ी बन जाते हैं पाएंगे। मतलब घर बार छोड़ने का जरूरत नहीं, घर में ही रहो, घर में रहो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गृहे वा बने ते थाको सदा हरि बलि डाको। वन में रहो और घर में रहो, इसके लिए कुछ नहीं जाता आता, लेकिन भगवान की भक्ति करो। जो कोई काम करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, खूब पैसा कमाओ। बोले क्यों? पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा? कि पैसा क्यों कमाओ? ठाकुर को सेवा के लिए। अपना सुंदर घर बनाओ। बोले घर किसके? बोले ठाकुर जी का घर है, भगवान की दरबार। घर में झाड़ू लगाओ, जैसे गोपियां थोड़ी घर छोड़कर वन में गई थी, वो भी तो घर में रहती थी लेकिन हाथों में काम करती थी। लेकिन क्या मान कर? ठाकुर का सेवा मान करके झाड़ू लगाओ। तो कहाँ पर झाड़ू लगाओ? समझो ठाकुर की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। खाना बनाओ, किसके लिए खाना बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगेगा। बच्चे को थपथप लगा करके सुलाओ, जैसे गोपियां थपथप लगा करके सुला रही थी लेकिन मुंह में क्या गा रही थी? बोले गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में क्या करनी चाहिए? ठाकुर जी की नाम लेनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। बार बोलो सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
से प्रभु की भक्ति करेंगे तो फिर आत्मा को परम शांति और आत्मा को परम सुख मिलेगा। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। बोले दूसरा प्रश्न क्या था? बोलो दूसरी प्रश्न क्या थी? हाँ, कलयुग में भगवान को सबसे सरल उपाय क्या पाने के लिए? भगवान को पता है कलयुग का जीव इतना कठोर साधन वजन के नहीं कर सकता, ये ठाकुर जी को पता है। इसलिए भगवान कलयुग में कोई कठोर साधन वजन नहीं रखे, क्योंकि सत्य युग में था तपस्या, सत्य युग में था ध्यान। अब लोग सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने एक अंगूठ ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके बिना खाए पिए 50,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। वाल्मीकि ने ऐसे तपस्या किया शरीर में पूरा दिमाग चाट गया, दिमाग चाट गया हजार हजार साल तक। कलयुग में देखना, जैसे आज कोई व्रत है, एकादशी व्रत है, कोई बोले भैया ये काम थोड़ा कर दो तो बोला आज हमने व्रत रखा है। कलयुग में एक दिन बिना बिना खाए भी एक दिन भी रह नहीं सकते। इसलिए त्रेता युग में यज्ञ था, अभी यज्ञ कर लिए प्योर ब्राह्मण चाहिए। कलयुग में फिर प्योर हवन सामग्री चाहिए, घी में सब चर्बी मिला हुआ, फिर तो कितने पैसा लग जाएगा हवन करने में, फिर आग की लपेट निकलेगा, पास में बैठ नहीं सकते हो। द्वापर युग में अर्चन, अर्चन के लिए धूप दीप नैवेद्य अगुर चंदन कर्पूर पंचामृत और क्या क्या चाहिए। कलयुग में कहां से इतना पैसा लाएंगे करेंगे? इसलिए भगवान बोले कलयुग में इतना कोई साधन करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के सुमेरी सुमेरी नरा उतरई पारा, सुमेरी सुमेरी नरा उतरई इसलिए बोले कलयुग केवल केवल मतलब कोई यज्ञ कोई तपस्या कोई ध्यान कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए ये केवल शब्द हुआ है, हैं? इसलिए कलि संतरण में बताया हरेर नाम अव केवलम, केवल ठाकुर का नाम। इसलिए तीन तीन बार बताए हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, पहला लाइन, दूसरे में नहीं नहीं नहीं। बोले तीन तीन बार क्यों बताए? बोले तीन बार इसलिए बताए ठाकुर के नाम के सिवाय जीव का कोई कल्याण नहीं। नहीं नहीं क्यों बताए? ये कलयुग का जीव है, एक बार बोलेगा ना तभी मानेगा ना, तभी इधर उधर भागेगा। इसलिए नहीं 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 बताए। अगर प्रभु की नाम छोड़ करके अगर कहीं दूसरे मार्ग में जाओगे तुम्हारे कल्याण होने वाले नहीं। इसलिए वहां पर तीन तीन बार प्रतिज्ञा करके यहाँ पर तीन तीन बार बताए हैं। इसलिए दूसरे दूसरे युग में जो साधन कठोर है, ध्यान करना यज्ञ करना कठिन है, लेकिन कलयुग का जो साधन है ना सरल है और आनंद है। देखो ठाकुर का कीर्तन करते हो आनंद आता है ना दुख होता है? बताओ आनंद आता है। कलयुग का साधन में आनंद है, लेकिन दूसरे दूसरे युग में साधन में परिश्रम है, लेकिन कलयुग में कोई परिश्रम नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो चैतन्य महाप्रभु का नाम? श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, मतलब भगवान का अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने नाम। बोले निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, मैंने नामों में सारे शक्ति मैंने दे दिया। इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान से बढ़ करके उनका नाम है। और नियमित स्मरण न काल, मैंने ये नहीं बताया, देखो जब केवल पवित्र अवस्था में हो तभी कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते ये भी नहीं बताया। पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में हो उसी अवस्था में ठाकुर का नाम को तुम ले सकते हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, इतने सरल उपाय,
लेकिन तब भी ये कलिजुग का ना जीव प्रभु का नाम नहीं लेते। इसलिए बोले सुलभम भगवत नामम, भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिनी, और हमारा जो जिह्वा हमारी बस में है, हमारी बस में जिह्वा, बोले तब भी कलिजुग में जीव नरक जा रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तब भी ये जीव प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा, इनके इनके उद्धार कैसे होगा। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, अगर प्रभु का नाम लोगे तो क्या फल हो, क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेना शुरू कर दो, केवल ठाकुर का नाम लेना शुरू कर दो, बोले उसको तीन काम होना शुरू हो जाता है। बोले ये क्या तीन काम है, बोले नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त नाम सुना हो, जो हमारी हिसाब किताब को लिख रहा है, चित्रगुप्त मतलब है, चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब होता है गोपनीय रूप में हमारे जीवन का सारे फोटो जो खींच रहा है, मरने के बाद सब खाता में खुला हुआ लिखा हुआ होगा वो सारे निकलेगा, उसका नाम चित्रगुप्त। जब महाराज कहते भैया चित्रगुप्त इधर आओ, रजिस्टर को लेकर आओ, बोले रजिस्टर को खोलो, बोले क्यों, बोले इसका नाम यहाँ से काट दो, बोले क्यों काट दे, बोले अभी वो ठाकुर का नाम लेना शुरू कर दे, जो ठाकुर का नाम लेते हैं वो कभी नरक में नहीं आएगी। अब गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सहेली सखी को बोलती, बोले रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले खोलो, खोल कर क्या करेंगे, बोले सबका नीचे इनके नाम लिख दो, बोले क्यों, बोले मरने का बाद ये गोलोक वृंदावन वैकुंठ गोलोक वृंदावन आएगा, क्योंकि ठाकुर का नाम लेता है। श्री ब्रह्मा जी वो क्या करते हैं, बोले आरती की थाला सजाते हैं, बोले भैया आरती की थाला क्यों सजा रहे हो, बोले वो ठाकुर का नाम ले रहा है ना, मरने का बाद भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग पार करते हुए वैकुंठ जाएगा, जब जाएगा मैं उसका आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा का, तो जो ठाकुर का नाम लेना शुरू करे उसका तीन काम शुरू हो जाता है। और भगवान कपिल देव अपना माँ को क्या कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, जो ठाकुर का नाम लेते हैं कितने पुण्यात्मा, बोले अहो बत सपोच अतो गरिया जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, अहो मतलब होता है आश्चर्य, जो प्रभु का नाम लेते हैं ठाकुर जी कहते हैं भैया वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा जो ठाकुर का नाम जप कर रहा है। अहो सपोच मतलब चंडाल, अगर चंडाल हो करके जो कुत्ते का मांस खाने वाले अगर वो ठाकुर का नाम लेते हैं, बोले कैसे, बोले जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिह्वा की अग्र देश में जो ठाकुर का नाम जप करते हैं, क्या समझो, वो पूर्व जन्म में चार काम करके आया है। बोले चार काम क्या किया, बोले पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे दान कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तीर्थाटन कर चुका है, और पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुका है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं ये पूर्व जन्म में कर चुका है, तभी इसी जीवन में केवल जिह्वा की अग्र में उसका नाम ले रहे हैं। आज जिसका पूरा जिह्वा में भगवान का नाम ले रहे हैं, बोले भैया उसका तो महिमा बता ही नहीं सकते। अरे जो भागवत कथा सुन रहे हैं, बोले भैया वो तो कितने पुण्यात्मा, बोले दो प्यार से चल करके जो कथा तक आए, बोले भैया उसका पुण्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और जो इन्हें आंखों से ठाकुर का गोविंद देव का दर्शन करते, बोले भैया उसका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते। कौन कह रहे हैं, भगवान अपना माँ कपिल देव अपना माँ देवत की ये बात कह रहे हैं। बोले इतने भगवत नाम को जप करने वाले इतने पुण्यात्मा, समझ रहे हो, इसलिए भगवत नाम जप करने का बड़ा महत्व है। चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो, एक समय चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बताए, देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। ऐसे 550 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, फिर हम तो कभी लखपति बन ही नहीं पाएंगे, फिर हमारे घर में क्या आप खाना ही नहीं खाओगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो ठाकुर को 1,00,000 नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा,
आबाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कंगाल हुए। हाँ आप मेरे तरफ में देखो, मेरे तरफ में ध्यान देकर देखो, आप अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? नाम सुने हो? कुछ दिन पहले टीवी में आता था करोड़पति कौन बनेगा, बोलते ना करोड़पति कौन बनेगा, इसलिए महाप्रभु कहते लखपति कौन बनेगा। मेरे तरफ में देखो कैसे आप लखपति बनोगे, देखो ये माला देखो, इसमें 108 मोती है, हैं? जब ये माला को जप करते हैं ना, देखो ये जो अंगुल को हम इसमें स्पर्श नहीं कराते, क्यों? ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले ये अंगुल निकलता, कहते ना हम तुमको देख लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, इसलिए अंगुल को हम बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रख करके जप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, फिर लखपति बन जाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती को हम सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर दो मोती सरकाते हैं, करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए, इसको ऊपर में ये अंगुल को पार नहीं कराते, क्यों? ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, हैं? ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, ये राधा कृष्ण को बीच में रख करके रास कर रहे हैं। जब यहाँ समाप्त हो जाए फिर हम घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं, देख लो कैसे लखपति बनोगे। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया, एक बार नाम लेने पर 16 बार हो गया। इसमें 108 है, अगर हमने एक माला कर लिया ना, फिर दो माला कर लिया, अगर इसे 16 माला कर लिया तो हिसाब से होता है 25,000, अगर 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो, भगवान खुद कहते हैं। बोले भैया जब फिक्स डिपॉजिट करते हो तो ब्याज तो मिलता है ना, बोले ब्याज हमें कितना मिलेगा? मीरा कहती है दिन दिन बढ़ता सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहते आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, 4 दिन में 2,00,000। लेकिन ये दुनिया की पैसा जमा करते 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 सारी छूट गया तो एक सुई धागा भी यहाँ से चलेगी नहीं, सारे पैसा यहीं पर छोड़ कर जाना पड़ेगा, एक पैसा भी साथ में जाने वाले नहीं। लेकिन ये धन अगर लूटा इसी जीवन में तो इसका मालिक बनोगे ही, और अगले जीवन में ना तुमको ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी, ये ऐसे के धन है। देखो इसलिए और 5 मिनट दो, हम एक माला जप करेंगे, ठीक है? एक माला जप करोगे ना, जैसे यहाँ पर कितने भक्त हो, करीब 60-70 होंगे, माला तो एक जप करोगे लेकिन 60-70 माला करने का फल मिलेगा, क्योंकि सब लोग हरिनाम करेंगे ना, सबका नाम की आवाज तुम्हारे कान में पड़ेगी। समझो आज तुम्हारे बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी, और यही धन ही, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दीमर सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है? माला वहां पे दूर है, ये माला लेकर के प्रभु जी एक दो बच्चे दे दो, सबके एक एक माला दे दो, आपको लेना नहीं मेरे को वापस दे जाना, माला जप करके मेरे को वापस देना, तो सबके सब एक माला दे दो। इसके बाद में फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर जाना। हरे कृष्णा, जब माला जप करोगे ना सब आंख बंद कर लेना, और समझना गोविंद देव का चरण में हम बैठे, श्री ठाकुर जी के चरण में बैठे करके भगवान के नाम जप कर रहे हैं। और सबके सब जोर से बोलना, जो हरि नाम लेगा उसको तो पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए कम से कम मुंह को खोल करके लेना, मुंह को जीवा को खोल करके नाम करना, जैसे सबका कानों में आपका नाम पड़े। माला तो एक करोगे लेकिन 1,00,000 माला करने का फल मिलेगा, ठीक है?
सबके साथ मेरे साथ में बोलना, ठीक है? हाँ, पूरा हरे कृष्ण बोल करके एक मेरे तरफ में देख लो, कैसे पकड़ना भी देख लो। देखो ये सुमेरु, उसको बीच वाला उंगल में को रखना, बीच वाला उंगल को भर में, और इसको इस तरफ में एक तरफ से जप करने का, एक तरफ से। हाँ, सब मेरे साथ में बोलना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. माला पूरी हो गई ना? सबके सब माला वापस दे दो, लेना नहीं पाप लगेगा, सब वापस दे दो, आपको लास्ट में मैं दूंगा, आपको लास्ट में दूंगा, माला सबको दूंगा, सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, सब भजन में नाचने का, हाँ देखो, हरे कृष्ण, मैंने कल बताया था आपको, ध्यान देकर सुना, कल मैंने बताया था एक एक भक्त दस दस भक्तों को लाना, लगता है आप लोग किसको लाए हो, एक दो करके लाए हो, तो कल भी और ज्यादा लेकर के आना, जैसे पैंडल भर जाए, सात दिन में जैसे पैंडल भर जाए, क्योंकि आप जिसको लेकर के आओगे ना, उसको जो पुण्य, उसका आधा पुण्य लाने वालों को मिलता है, इसलिए कल कम से कम पांच पांच भक्तों को लेकर के आना, बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आज प्रसाद प्रसाद किसने दिया है? अनिल कहाँ गया? किसने दिया? बीना माता जी, कहाँ है बीना माता जी? कहाँ है बीना माता जी? माता जी, बीना माता जी कहाँ? इधर आ जा। आज आप सभी के लिए प्रसाद हमारे श्री बीना माता जी ने दिया है, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इनको आशीर्वाद दे, खूब फलते फूलते रहे, क्योंकि भागवत कथा में एक अन्न का दाना देने का स्वयं भगवान गोविंद देव कहते हैं, जो एक अन्न का दाना देता है, किसी जीवन में कभी घर में अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं पड़ेगी, ये स्वयं गोविंद देव जी बताए, क्योंकि भागवत कथा भगवान की कथा, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी परिवार गोबर में आशीर्वाद करें और कृपा करें। ये माला उनको पहना दो, लो ये माला उसको पहना, गुरु वृंदावन बिहार लाल की जय, जय श्री राम। हरे बाके बिहार की एक छटा, एक छटा, हरे भाई I'm
I'm gonna go to the hospital.